issue. आज के इस परिचर्चा में आप सभी का स्वागत है और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज शरद पूर्णिमा महर्षि वाल्मीकि जी के प्राकट्य उत्सव है, जन्म दिवस है, तो आज का दिन दो कारणों से जो है वो ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है और निश्चित रूप से हम सभी के लिए ये महत्वपूर्ण भी है कि ऐसे जो बहुत महत्व के दिन हैं उस दिन कोई ना कोई चर्चा करना हमारा दायित्व भी बनता है, क्योंकि इन दिनों को एक्सेप्ट करना, एक्नॉलेज करना, रिकग्नाइज करना, ये हम लोग नहीं करेंगे तो और किन से हम अपेक्षा कर सकते हैं। तो निश्चित ही आज का ये दिन बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने के लिए हम लोग एकत्रित हुए हैं। लेकिन चर्चा करने से पूर्व हमेशा ये होता है कि कुछ अंशों में जो हम जानते हैं उसके कुछ आयामों को हम और अधिक विस्तार में जान लें, समझ लें, उसके विविध पक्षों को जान लें, समझ लें और फिर उसके बाद जो है परिचर्चा का आनंद आता है। क्योंकि सीधे सीधे कोई परिचर्चा करे और विषय को हम समझे ना तो वो अपने आप में एक कठिनाई पैदा करती है, जिसका हम उदाहरण आज की 21वीं शताब्दी में बहुत अधिक देखते हैं कि बोलने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार तो सबको मिल गया, ये क्वालिफिकेशन उसमें क्वालिफायर नहीं लगाया गया कि उसको उस विषय का ज्ञान भी होना चाहिए। तो इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं बहुत संक्षेप में आप लोगों के साथ दो तीन बातें साझी करूंगा, और लेकिन उससे पूर्व अगर हमारे साथ संजीव घारू जी जुड़ चुके हैं तो सर आप मुझे बता सकते हैं? नहीं, चलिए कोई बात नहीं, समय के ध्यान रखते हुए, समय की मर्यादा का ध्यान रखते हुए मैं सीधे सीधे आप लोगों के साथ विषय पर आता हूं, क्योंकि हमारे दोनों मुख्य वक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उत्सुक श्रोता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो इससे ज्यादा शुभ जो संयोग है और क्या हो सकता है। 21वीं शताब्दी में महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि के विविध आयाम, ये हमारा आज का विषय है। और विषय मैं इसलिए दोहरा रहा हूं क्योंकि दो शब्द इसमें बड़े महत्वपूर्ण हैं, एक तो 21वीं शताब्दी और उसमें महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि, ये दो पक्ष जो हैं बड़े महत्व के हैं। और जैसा कि नीचे चित्र में आप देख सकते हैं, एक पृष्ठभूमि के रूप में आप इसको देखें कि वो आरंभ कहाँ से हो रहा है, मध्य भाग में रामायण लिखी जा रही है, करुणा से वो शुरू हो रहा है और परिणति जो हो रही है वो बालकों की शिक्षा पे जाकर के हो रही है, लव कुश की शिक्षा के ऊपर जाके हो रही है। ये एक पृष्ठभूमि के तौर पे मैंने ये चित्र लगाए हैं क्योंकि चित्रों से कई बार बात ज्यादा स्पष्ट हो जाती है बहुत सारे शब्द कहने की बजाय। जब मैं आपसे ये बात कर रहा था कि दृष्टि शब्द का साभिप्राय यहाँ पे प्रयोग किया है, क्योंकि दृष्टि इज डिफरेंट फ्रॉम दर्शन, जब आप दर्शन शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो दो अर्थों में करते हैं, एक तो जो जैसे हमारी कंडीशनिंग है कि दर्शन का मतलब है कि षड दर्शन, नास्तिक नास्तिक दर्शन जिसमें प्रमाण प्रमेय की बात होती है, और दूसरा दर्शन शब्द का एक जो अप्रचलित अर्थ हो गया है जिसको हम अक्सर ध्यान नहीं दे पाते कि देवालयों में या मंदिरों में हम दर्शन करने जाते हैं, भगवान के दर्शन करने जाते हैं और वहां आप भोग लेकर के जाते हैं और प्रसाद लेकर आते हैं तथास्तु के रूप में, तो वो दर्शन की एक अलग प्रक्रिया है। तो इन दो बातों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो दर्शन और दृष्टि का अंतर आप नीचे के चित्रों से आप समझ सकते हैं। दृष्टि हमेशा जो है वो कम से कम हम सामान्य प्राणियों की, सामान्य जीवों की दृष्टि बड़ी सीमित होती है, बहुत हद इसको अगर आप मैथमेटिकली कहें तो 30 डिग्री, 45 डिग्री, बहुत हद है अगर आप बहुत विद्वान है तो 60 डिग्री या 180 डिग्री, लेकिन कंप्लीट एक दृष्टि होना जिसे 360 डिग्री कहेंगे वो हम में से बहुत कम लोगों की होती है, वो उन्हीं की हो सकती है जो ज्ञान से भी अग्रसर हो गए हैं, जो ज्ञान में ही हो गए हैं, जो
जो चारों दृष्टियों में चारों दिशाओं में एक साथ देख सकते हैं, उनके लिए कोई दिशा भिन्न नहीं रहती। तो लेकिन हम लोगों की दृष्टि क्योंकि सामान्य रूप से इसी तरह की है कि इसी उलझन में रहती है कि एक की दृष्टि हाफ फुल की है, दूसरे की हाफ एम्प्टी की है, या परसेप्शन जो है जिसे आप अंग्रेजी में परसेप्शन कहते हैं, मैंने जानबूझ के परसेप्शन शब्द इस्तेमाल नहीं किया था, दृष्टि शब्द पे ही टिकना चाहता था। तो उसमें भी आप दूसरे चित्र में भी देख सकते हैं कि दृष्टि से अभिप्राय हमारा ये हो जाता है और इन्हीं दृष्टियों के हम जो है इन्हीं के सहारे अपना जीवन यापन करते रहते हैं और यही मानते हैं कि जो हम जानते हैं वही सत्य है, वही यथार्थ है। लेकिन इस दृष्टि के दो पक्ष आप देखें, जब वाल्मीकि ऋषि वाल्मीकि के संदर्भ में हम बात करेंगे तो दृष्टि का अभिप्राय यहाँ दृष्टि से सृष्टि भी है कि आपकी जैसी दृष्टि होती है वैसा ही आप अपना संसार, अपना अपना संक्षिप्त संसार बना लेते हैं, घर पत्नी बाहर बच्चे जो भी आपका है पूरी सृष्टि निर्माण कर लेते हैं। और दृष्टि आपकी अपनी होती है कि आप सुख से चाहते हैं, आप किसी और भोग से चाहते हैं, जो भी आपकी अपनी दृष्टि हो। दूसरा पक्ष होता है जहां सृष्टि से आप दृष्टि का निर्माण होता है कि बाहर की दुनिया देखते हैं कि लोग एक दूसरे से स्नेह भी कर रहे हैं, धोखा भी कर रहे हैं, द्वेष भी कर रहे हैं, और उससे आप अपनी एक दृष्टि निर्माण करते हैं और अपनी अपनी मान्यताएं आप बना लेते हैं। तो इसलिए इस दृष्टि शब्द को ही थोड़ा सा हम फोकस करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सामान्य रूप से जब भी कभी बात होगी महर्षि वाल्मीकि की तो हम बात करेंगे उनके दर्शन की। लेकिन आज के दिन हम फोकस करने का प्रयास करें कि उनकी दृष्टि क्या है, और उनकी दृष्टि के बारे में बात करने से पूर्व मैं आप लोगों के साथ दो एक प्रश्न और सांझे कर लेता हूं, क्योंकि उत्तर देने से पूर्व प्रश्नों को स्थापित करना मुझे लगता है वो ज्यादा महत्व का है, क्योंकि अगर प्रश्न स्पष्ट नहीं होते तो फिर हमारी गति जो है वो रुद्ध हो जाती है, हम अग्रसर नहीं हो पाते उस विषय में और उस विषय के जो विविध आयाम है उनसे हम परिचित नहीं हो पाते। जब भी चर्चा होती है ऋषि वाल्मीकि की तो यहीं से हम शुरू करते हैं, मां निषाद प्रतिष्ठां तो मगमः शाश्वती ही समः यत् क्रौंच मिथुना देख मवधि काम मोहितम, ये सभी श्लोक यहां से शुरू करते हैं। यहां से उठ करके रामायण आती है, यहां से सारी रचना धर्मिता शुरू होती है। लेकिन कभी हम ये विचार करके देखें कि ये अगर करुणा उनका कोर है, उनका सार है, ऋषि वाल्मीकि का करुणा अगर उनका सार है, तो महर्षि वाल्मीकि किस तरह के कर्ता भोक्ता और ज्ञाता की परिकल्पना उसके आधार पे करते होंगे की होगी, जो हमें मूल्यांकित करना है रामायण के संदर्भ में। इफ करुणा इज अ कोर और एसेंस ऑफ महर्षि वाल्मीकि, देन व्हाट काइंड ऑफ डूअर नोअर एंड एंजॉयर शुड बी, तो उस करुणा से कैसा होगा। अब इस चीज को जब हम राम की विभिन्न पक्षों से मिलाते हैं या अन्य पात्रों के साथ मिलाने का प्रयास करते हैं तो बहुत सारे पक्ष जो हैं वो उभर कर हमारे सामने आएंगे। दूसरा अब आ जाते हैं कि क्योंकि दूसरा विषय हमारा था व्हाट डू वी मीन बाय 21st सेंचुरी। होता ये है कि जिन परिस्थितियों में हम लोग रह रहे होते हैं उनके बारे में प्रश्न नहीं करते, उनको स्वीकार कर लेते हैं कि ये तो हमें पता ही है। लेकिन प्रश्न ये है कि इस 21वीं शताब्दी को लेकर के कि क्या मनुष्यता पहले से अधिक आश्वस्त हुई है, कि जितनी हमने डेवलपमेंट की है हमने क्या भविष्य के प्रति एक आश्वस्तता मनुष्यता को प्रदान की है 21वीं शताब्दी में या नहीं, विकास के नाम पर और जो भी है। दूसरा इसका जो पक्ष है, जैसे कि आप कहते ही हैं कि टेक्नोलॉजिकल और इंडस्ट्रियल अचीवमेंट्स का ये युग है 21वीं शताब्दी, डेमोक्रेसी का युग है, मीडिया का, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस आदि आदि, इस तरह की कई शब्दावलियां हैं जिनके आधार पर आप 21वीं शताब्दी की बात करते हैं कि ये 21वीं शताब्दी हो सकती है। इसमें कई समस्याओं को मैंने छोड़ दिया है लेकिन मैंने मेन फीचर्स की बात कर रहा हूँ, समस्याओं की अभी मैंने बात नहीं की आप लोगों के साथ। तो दो प्रश्न मैंने मूल में अभी आप लोगों के साथ सांझे किए हैं। थोड़ी सी इस बात को और हम समझ लें इससे पूर्व कि मैं मुख्य वक्ताओं से आपका परिचय कराऊं,
मैं और आप और मैं दोनों मिलकर के दो तरह की भाषाओं से, परिभाषिक शब्दों से जो है वो हमारी मानसिकता बनी है, हमारा व्यवहार संचालित है। स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, एक ओर तो आपका जो व्यवहार है वो कौन सी भाषा से संचालित है, जो उद्योग और व्यापार आश्रित भाषा है, जिसमें लोकतंत्र, संसद, न्यायपालिका, कार्यपालिका, मताधिकार आदि आदि आदि, जिसे आप तरक्की, विकास, इन सब शब्दों से है। और इसको नीचे अगर आप थोड़ा सा और ध्यान से देखें तो आपका और मेरा जो व्यवहार है वो इस उद्योग आधारित संस्कृति यानी कि भारतीय संविधान जिससे बना है, और जिसमें प्रस्तावना, मूलाधिकार, राज्य नीति निर्देशक और उनके आधार पे जो लोकतंत्र नाम का एक कॉन्सेप्ट आपको दिया गया है, वो उससे हम निर्देशित हैं, उनसे हम संचालित हैं, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते, वो हमारा आज का यथार्थ है। दूसरी तरफ आप नीचे की ओर आ जाएं, जहां पर ऋषि वाल्मीकि जी का चित्र है, उसके नीचे देखें तो उनके जो संदर्भ है वो क्या है, कृषि आधारित भाषा में प्राप्त शब्द। कृषि संस्कृति उनका मूल आधार है, जिसमें आप शब्दावली देखते हैं, राजा, मात्य, राज्य, पुर, दुर्ग आदि आदि, धर्म, कर्म, शासन आदि आदि आदि। और कृषि आधारित इस संस्कृति के पर जो आधारित वाल्मीकि रामायण है, क्योंकि उस सृष्टि से ही, वाल्मीकि की दृष्टि से जो सृष्टि हुई है रामायण की, उसके दो पक्ष ही आपको दिखाई देते हैं, एक और आपको वेद और दूसरी तरफ यज्ञ दिखाई देता है। अगर कोई व्यक्ति कहे कि मैं वाल्मीकि को इन दो शब्दों के बगैर, इन दो अवधारणाओं के बगैर परिभाषित कर दूंगा या समझ लूंगा या समझने का दावा करे, तो मुझे लगता है कि वो अन्याय करेगा, वो कभी उनको पूर्ण रूप में समझ नहीं पा सकता। इस यज्ञ और वेद के बीच में जब आप देखते हैं तो आपके सामने दो और शब्द आते हैं, दो और अवधारणाएं आती हैं, एक है पुरुषार्थ और एक है ईर्ष्णात्रय। आप जानते ही हैं, मैं इसकी व्याख्या में नहीं जा रहा हूं। और इसके आधार पर आप सीधे लोक कल्याण, लोक मंगल की अवधारणा की ओर आते हैं। लोकतंत्र से लोक कल्याण और लोक मंगल ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, आप जानते हैं, देख सकते हैं, ये हम नहीं पता कि किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं जब आप उद्योग की ओर से बात करते हैं, लेकिन जब वाल्मीकि रामायण की ओर से जब आप ये सारी बात करते हैं तो लोक कल्याण और लोक मंगल ये आपके सामने उभर कर आते हैं। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आज के दोनों वक्ताओं का परिचय आपसे कराना चाहूंगा। हालांकि आप सभी लोग परिचित हैं, दोनों विद्वानों से आप परिचित हैं, दोनों के ज्ञान के विस्तार से आप लोग परिचित हैं। हमारे आज के जो दो मुख्य वक्ता हैं, प्रोफेसर डॉक्टर लेखराम शर्मा जी, जो अध्यक्ष रहे हैं संस्कृत विभाग गुरु नानक देव विश्वविद्यालय में अमृतसर में, उनका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, जितनी भी संस्थाएं हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आप सबकी ओर से भी रामायण के ऊपर उनका वैशिष्ट्य है, और जैसा कि आप लोगों ने आगे भी उनको सुना है, उनकी वैचारिक स्पष्टता और जो उनकी ज्ञान में एक प्रखरता आप देखेंगे वो वाकई सम्मान के योग्य है, आदर के योग्य है, हम उनका स्वागत करते हैं। मैं बहुत अधिक उनके परिचय में नहीं जा रहा है कि कितनी PhDs की, कितनी उपलब्धियां की हैं, क्योंकि ज्ञान के क्षेत्र में जो अग्रणी लोग होते हैं वो विचार से पहचाने जाते हैं, ना कि उन उपलब्धियों के गणन से कि इतनी PhDs करवा दी, इतने पेपर्स पब्लिश हो गए। तो मैं उनसे बचते हुए ही आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर लेखराम शर्मा जी का आप सबकी ओर से, अपनी ओर से स्वागत करता हूं। दूसरे हमारे विद्वान प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत आंगिरस जी, जो पूर्व अध्यक्ष और प्रोफेसर ऑफ कालिदास चेयर रहे हैं संस्कृत विभाग पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आपने उनका भी, उनके भी विचारों को बहुत बार सुना है और उनसे परिचित हैं, और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि मैं उन उपलब्धियों की ओर नहीं जा रहा हूं, और वैचारिक परिचय जो है वही महत्वपूर्ण ज्यादा मुझे लगता है, और समय भी हमारा बचेगा, और वैचारिक परिचय से, वैचारिकता से तो आप सभी लोग परिचित हैं ही। तो दोनों वक्ताओं का परिचय करवाने के साथ साथ, इससे पूर्व कि मैं आप लोगों का
सीधे सीधे वक्ताओं को आमंत्रित करूं, दो एक बातें मुझे लगता है कि मुझे और आप लोगों के साथ साझी कर लेनी चाहिए। क्योंकि कई बार लगता है कि अपना विषय जितनी हमारी सीमा है, क्योंकि मेरी दृष्टि की अपनी सीमा है, तो इन आयोजनों को करने का उद्देश्य भी यही होता है कि अपनी दृष्टि का हम विकास करें, उसमें गहनता भी आए, सघनता भी आए और विस्तार भी प्राप्त हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि मैं दोनों विद्वानों के प्रति सम्मान के रूप में जितना मेरे पास जितनी मेरी दृष्टि है उसको मैं उनके प्रति समर्पित करता हूं, ताकि वो उसके आगे की बात हमारे साथ साझा करेंगे। ये बात मैं आप लोगों से पहले ही कर आया हूं कि ऋषि वाल्मीकि को दो ही उनके पंख हैं, दो ही पक्ष हैं, यज्ञ और वेद। इसके बीच में महर्षि वाल्मीकि को हम परिभाषित करने का प्रयास करेंगे। स्क्रीन के ऊपर जो ये आप एरो में देख पा रहे हैं, मैंने कोशिश की है कि उनको हम इस तरह से परिभाषित करें, दृष्टि, क्योंकि उनकी दृष्टि को मैं अपनी दृष्टि से देख रहा हूं, इसलिए वो बड़ी संकुचित रहेगी। तो इट सीम्स दैट द दृष्टि ऑफ महर्षि वाल्मीकि इंक्लूड्स इंटीग्रेशन ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट, भौतिक संपदा का विकास, विद साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स, ऑल इन हार्मनी विद द अर्थ ऑफ हिज सोसाइटी। क्योंकि जब आप उनकी सृष्टि यानी कि उनकी रचना से जब आप रचना को पढ़ते हैं, तो उससे अनुमान होता है कि उनकी दृष्टि में मटेरियल डेवलपमेंट विद साइकोलॉजिकल, कल्चरल एंड स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स जो हैं, दैट टू इन हार्मनी विद द अर्थ जो है, वो उनका उन्होंने इस तरह का विचार किया होगा। अब जब मैं उसको देखता हूं और मुझे लगता है कि जब वो अयोध्या में, उसमें ज्यादा विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन जब अयोध्या का वर्णन पढ़ते हैं, लंका का वर्णन पढ़ते हैं और नगरियों का जब वर्णन पढ़ने को मिलता है, तो लगता है कौन सी धन संपदा कम होगी, लेकिन साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी का भी जो स्तर है वो कितना श्रेष्ठ रहा होगा। तो उन सारी बातों को पढ़ते हुए मुझे 9 पॉइंट्स लगते हैं जो 21वीं शताब्दी में हम सभी के लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। तो दृष्टि जो है उसमें 9 डोमेन्स जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं। इन सभी के लिए मैं बहुत सारे श्लोक आप लोगों के साथ साझे कर सकता हूं, लेकिन मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, ना वो मेरे जाने का इस वक्त कोई उद्देश्य है, ना वैसी कोई इच्छा, लेकिन केवल पॉइंट्स गिना रहा हूं ताकि मैं अपनी सीमा आप लोगों के साथ साझा कर सकूं। सबसे प्रथम जो मुझे उसमें सबसे बड़ी बात लगती है, महत्वपूर्ण बात लगती है, कि 9 डोमेन्स में अगर हम उनकी दृष्टि को समझें, साइकोलॉजिकल वेलबींग, मन स्वस्थता। आप देखें कि राम, मतलब मुझे लगता है कि राम एक ऐसे पात्र हैं जहां कहीं घृणा, राग, द्वेष, इस तरह का, वो इन सब से बहुत श्रेष्ठ हैं। उसमें उनकी उदात्तता जो है, उदात्तता और मन स्वस्थता, मुझे लगता है कि दोनों पर्यायवाची शब्द ही हैं। तो पहला डोमेन जो है वो साइकोलॉजिकल वेलबींग, दूसरा हेल्थ, आरोग्य। हनुमान जी को आप ले आए, उन्हीं की हम सब आराधना करते हैं। फिर तीसरा यूज ऑफ टाइम, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसको हम अक्सर संस्कृत के लोग ध्यान नहीं देते, कि जबकि ये मैनेजमेंट में हम चीजें दे सकते हैं, उनको बता सकते हैं। तीसरा हमारा चौथा पक्ष है कम्युनिटी वाइटलिटी, सामाजिक गतिशीलता, अग्रसरता, कि वहां जो है ऊपर से लेकर के नीचे तक और एक पक्ष से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, समाज में जितने भी वर्ग हो सकते हैं, जितने भी मनुष्य हो सकते हैं, सब तक पहुंचना, सबकी आपस में एक इंटरेक्शन, वो हमें दिखाई देती है। एजुकेशन का हमें दिखाई देता है, जिसमें शिक्षा, प्रशिक्षण और विद्या दोनों ही हैं, तीनों हैं। कल्चर हमें दिखाई देता है, एनवायरमेंट दिखाई देता है, गवर्नेंस, और सबसे बड़ी बात जिसे हम नहीं ध्यान देते वो है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। महर्षि वाल्मीकि एक जीवन स्तर दे रहे हैं, वो पूरे का पूरा एक दृष्टि दे रहे हैं कि जीवन जीने का ये स्तर होता है, इस स्तर पे अगर मनुष्यता जिए तो फिर हमें कोई संविधान की अपेक्षा नहीं है, हमें UNO की अपेक्षा नहीं है, हमें किसी और चीज की बात की अपेक्षा नहीं होगी। तब मनुष्य मनुष्य की रक्षा करते हुए ही ये सारा समाज जो है वो जी सकता है, ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकता है। तो ऐसे कई वैदिक मंत्र भी हैं, तो वो सभी के सभी मंत्र यहाँ पर आके मुझे लगता है कि
सार्थक और सफल सिद्ध होते हैं। तो ये कुछ एक पक्ष थे जो मुझे लगा कि ये मेरी दृष्टि में महर्षि वाल्मीकि जी की जो दृष्टि है उसमें ये 9 पॉइंट्स बड़े महत्व के हैं जो हमें आज की 21वीं शताब्दी को करेक्टिव मेथड्स के तौर पे, करेक्टिव इनपुट्स के तौर पर जिन्हें हम उपयोग में ला सकते हैं। तो ये संक्षेप में मैं आप लोगों के साथ अपनी बात साझा करना चाहता था। मटेरियल कुछ और भी है लेकिन वो मैं बाद में आप लोगों के साथ साझा करूंगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर, आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर लेखराम शर्मा जी को, कि वो इस विषय में हमारी समझ को विस्तृत करें, उसको विस्तार दें, उसकी सघनता से परिचित कराएं, उसकी गंभीरता से हमें अवगत कराएं। प्रोफेसर लेखराम शर्मा जी सर, सबको नमस्कार। आदरणीय श्रद्धेय गुरुवर्य डॉक्टर आंगिरस जी को विशेष नमन, डॉक्टर आशुतोष जी मेरे अनुज हैं उनका धन्यवाद। और एक मुझे जो बात अच्छी लगी वो लगी कि आज मुझे इनके दर्शन का, गुरु जी के दर्शन का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ, दूसरा इनका लाभ भी मिलेगा। वैदिक ऋषि कहता है कि समान योगत्रे सहवो युनग्नि, तो समान योगत्र में जो देना लगा देना उसमें जो अक्षम है उसका भार सक्षम जो है वो बहन कर लेता है और गति दोनों की बन जाती है कि ये दोनों है। तो इसके लिए तो आपका विशेष धन्यवाद के समान योगत्र में हमारा करके और एक विद्वान को सुनने का मौका मिलेगा। तो महर्षि वाल्मीकि को नमन के साथ हमारी भारतीय संस्कृति का जो मूल आधार है या जो उसका प्रेरणा स्रोत है या जिस पे वो टिकी हुई है और जिसके आधार पे भारत विश्वगुरु कहलाता है, उसका श्रेय महर्षि वाल्मीकि जो को जी को बहुत अधिक जाता है। तो हमारे दो भागों में साहित्य बंटा है, संस्कृत भी दो में, वैदिक संस्कृत है, लौकिक संस्कृत है, और उसके बाद साहित्य वैदिक साहित्य है और लौकिक साहित्य है। तो लौकिक साहित्य का जो प्रारंभ है वो महर्षि वाल्मीकि जी से हुआ है। इनको आदि कवि बोलते हैं और रामायण आदि काव्य है, इसका भी एक आधार है। पहले वैदिक छंद थे तो लौकिक अनुष्टुप जो आया, जो क्रौंच वाली घटना घटी उसमें महर्षि से जो निकला उसमें अंदर की जो उनकी वेदना बाहर आई तो वो अनुष्टुप में आई और ब्रह्मा जी ने कहा कि वो स्तब्ध रहे कि मेरे से क्या कहा गया। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये आपसे निकली है सरस्वती वाणी, तो ये आपने श्लोक ही कहा है, तो वो आदि श्लोक अनुष्टुप का लौकिक में, तो उसके कारण महर्षि वाल्मीकि रचित रामायण ये आदि काव्य है और महर्षि जी जो हैं वो आदि कवि हैं, वहां से इसकी शुरुआत होती है। और उसके बाद अगर हम भारतीय साहित्य की बात करते हैं तो अगर उपजीव्या काव्य के रूप में रामायण और महाभारत को अगर हम माइनस कर दें तो भारतीय साहित्य का कोई स्रोत या आधार इतना नहीं बच पाता है। कितने ग्रंथ, कितने काव्य, कितने महाकाव्य, कितने नाटक, अब आप प्रमुख कवियों को देख लीजिए, महाकवि कालिदास हैं, उनका आराध्य महर्षि वाल्मीकि रहे हैं, चाहे उन्होंने रघुवंश लिखा है रामायण के आधार पर, अभिज्ञान शाकुंतल आया है, भास के नाटक हैं, भास के नाटकों को अगर रामायण और महाभारत वालों को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचता है। तो आने वाले के लिए एक विशाल जो साहित्य है, समृद्धम जो साहित्य है, उसका आधार भी महर्षि वाल्मीकि रहे हैं। अब इसके बाद महर्षि की जो दृष्टि है, अब जो ऋषि है, निरुक्त में कहा है कि साक्षात कृत धर्माणि ऋषियो बभूवु। ऋषि कौन है? जो धर्म का साक्षात्कार कर, जैसे आंगिरस जी अभी दर्शन की भी व्याख्या कर रहे थे, तो एक जिसकी दृष्टि दूरदृष्टि और वो चिरस्थायी दृष्टि और वो युग युग में सार्थक दृष्टि, जो इसको देखने वाला है वो ऋषि है। और बाकी तो सारे देखते हैं, अब पश्यति इति पशु, देखने वाला पशु को देखने के आधार पर कहते, तो देखने हम भी देखते हैं, सारे देखते हैं, लेकिन ऋषि की जो दृष्टि है वो युगो युग तक पहले देखते हैं कि वो एक आदर्श स्थिति समाज के लिए देता है।
अब इनके जितने भी हम पक्ष ने महर्षि के, तो हम कितने पक्ष, पारिवारिक आधार देख लें, सामाजिक व्यवस्था देख लें, राजनीतिक व्यवस्था देख लें, कैसा राजतंत्र होना चाहिए, कैसे और संबंध होने चाहिए, कैसा हमारा प्राकृतिक वातावरण होना चाहिए, तो ये एक बहुत लंबा, और ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसमें महर्षि जी की दृष्टि नहीं गई है। अब आप परिवार के संबंध में ही देख लीजिए कि कितना उसका राम का एक श्लोक कि देशे देशे कलत्राणी, देशे देशे जे बांधवा, तम तो देश न पश्यामी यत्र भ्राता सहोदर है। आप जिस देश में जाएंगे विवाह शादी भी हो जाएगी, फ्रेंड्स सर्कल भी बढ़ जाएगा, लेकिन ऐसा कोई देश आपको नहीं मिलेगा जहां आपका सगा भाई मिले। तुलसीदास ने भी कहा कि मिल ही ना जगत सहोदर भ्राता। अच्छा एक बार फिर इसके बाद परिवार के विषय में देखिए कि महर्षि वाल्मीकि का दृष्टिकोण क्या है। ये परिवार को जोड़ने वाला है, परिवार को तोड़ने वाला नहीं है। अब इसमें और तो पक्ष देखिए, लक्ष्मण का साथ जाना, सीता का या राम का या सबका, उसको देखिए। लेकिन जब भरत राम का से अनुनय करने के लिए जाते हैं कि आप चलिए, तो राम तो नहीं आते हैं, लेकिन उसमें राम एक बात जरूर बोलते हैं। वो कहते हैं कि शत्रुघ्न को संबोधित करके कहते हैं, भरत भी साथ हैं, कहते मातरम रक्ष कहके इम, तो कहता मा रोषम कुरुताम प्रति, कि आपने कैकेयी माता की रक्षा करना, उसके प्रति रोष मत करना। पार्टिकुलरली उसने कैकेयी कहता मया च सीतया चैव शप्तोसि रघुनंदन, कि मैं और सीता दोनों, क्योंकि दोनों का ही वो कहना मानने वाले हैं तो उनके प्रति आदर भाव है, तो मैं और सीता दोनों आपको शपथ पूर्व कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि मैं तेरे को मेरी कसम लगे, तो या जैसे हम पंजाब में बोलते हैं कि तेनू लगे मेरी सौं, कि आपको मेरी कसम लगे। तो अब देखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि रोषवश कई कई का ये निरादर करें या उसको दर्जा दूसरी माताओं से कम दें। अगर जाने अनजाने जो भी बात, अगर हम जस्टिफाई भी करते हैं वहां के, उन्होंने मुझे क्यों यहां भेजा, जो कुछ भी हुआ, तो हम एक एक ही बात के दर्द करते हैं कि वो शब्दों से बोलते हैं और ये नहीं कहते हैं कि मैं बोल रहा हूं, सीता को भी साथ ले रहे हैं, उनका सीता के प्रति उतना दृष्टि कौन है, बड़ी भ्रातृया होने के नाते। तो ये इनका इस तरह का महर्षि का जो दृष्टिकोण है परिवार के प्रति, तो चाहे कोई युग हो, जब परिवार का ऐसा स्तर रहेगा तो उसमें परिवार का संघर्ष और तरह का होगा। अच्छा, और इनकी कितनी आप देखिए कि एक कई संस्करणों में तो वो श्लोक नहीं है, लेकिन वो रामायण को ही दिया जाता है। अब उसकी आज के युग में जैसे हम देखते हैं वो के अपि स्वर्णमयी लंका नमे रोचते लक्ष्मण जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अब देखिए दो बातें हैं इसमें, आज के इस जो नया युग शुरू हुआ है या नया सामाजिक परिवेश आया है उसमें तो इसका और भी महत्व बढ़ गया है। पहले कहता है कि जननी, अब आज तो कितने देखिए माता पिताओं को उसमें वृद्धाश्रमों में भेज रहे हैं बेटे, अच्छा, या विदेश में चले गए हैं और वहां से डॉलर आ रहे हैं, अब डॉलर तो पुत्र की कमी पूरी नहीं करेगा। अच्छा, तो देखिए वो महर्षि की दृष्टि देखिए आप, जननी पहले तो आपकी माँ और फिर जन्मभूमि। अगर आपका मातृभूमि के प्रति प्रेम नहीं है, आपका राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है, आपके राष्ट्रभक्ति में कहीं कमी है, तो आपका जन्म जो है वो सार्थक नहीं है। तो वो कहते हैं अच्छा, उसके बाद आप ये स्वर्णमयी लंका, लंका स्वर्णमयी है विद ऑल द फैसिलिटीज विद ऑल द शाइनिंगनेस, लेकिन अब जैसे हमारे में एक होड़ लगी है, विदेशों में सेटल हो जाना है, वहां रहना है, ये इस देश में चले जाना है, उस देश में चलना है, तो महर्षि के इस श्लोक को अगर हम इस एंगल से देखते हैं तो देख लीजिए कि चाहे सोने की लंका है, कुछ नहीं उससे हमने लेना देना, तो अपनी माँ और अपनी मातृभूमि जो है ये सबसे बढ़कर क्या है। अच्छा, इसके बाद बहुत सारे पक्ष हैं महर्षि जी के, हम कितने के पक्ष ले लेंगे, लेकिन जब अयोध्या कांड का जो समाध्याय है उसमें जो राम भरत से पूछते हैं उसके राज्य की व्यवस्था के बारे में, उसमें आज की 21वीं शताब्दी में तो उसकी बिल्कुल आवश्यकता महसूस हो रही है, और लगता है कि जो आज का सामाजिक परिवेश है महर्षि जी की दृष्टि इन विषयों पर भी गई है। अच्छा, अब देखिए उसमें कितने बहुत सारे पक्ष हैं, वो पहले सैनिकों की संतुष्टि की बात करते हैं कि आपका सैनिक जो है वो हर दृष्टि से संतुष्ट रहे, और उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही है कि उसमें आप उसको भक्तम
बलों को आप क्या ये भत्ते दे रहे हैं, वेतन उसका ठीक मिल रहा है, वेतनम च भक्तम च, कि उनको कोई इस प्रकार की आर्थिक तंगी तो नहीं है, इस तरह की बात है। तो वो कहते हैं महर्षि का दृष्टि सो गई है कि आपका पहले तो सैनिक जो है वो संतुष्ट हो और उसकी सुरक्षा परिवार की व्यवस्था सारी उसमें हो। अच्छा, उसके बाद दूसरे बहुत सारे जितने पक्ष लिए हैं, एक उसने लिया है कि राम पूछते हैं कचित ते दयिता सर्वे कृषि गोरक्ष जीविने वार्तायाम संस्कृत लोगो अयम सुखमेते। कहता आप ये बताओ कि आपके अंदर जो कृषि पे आधारित है, आपका जो किसान है, क्या वो संतुष्ट है? उसको कोई समस्या उसके रास्ते में तो नहीं है? और गोरक्ष जीविने, और जो गो पालन वाले हैं, आज के शब्द में डेयरी फार्मिंग वाले को कह लो कि जो गो पालन करके आपके समाज को दूध की आपूर्ति कर रहा है, खेतों में हल चलाने की व्यवस्था कर रहा है, जितने भी पक्ष हैं। तो कहता आपके दोनों पक्ष, कि आपका कृषक और आपका जो गोरक्ष पालन करने वाला है, वो कहता ठीक है, सुरक्षित है। और उसके बाद वार्तायाम, जो आदमी उसमें एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, वार्ता हम दो अर्थों में लेते हैं, एक तो हम कृषि कार्य में लेते हैं और एक हम इसमें भी जो हमारा व्यापार बिजनेस है। तो कहता है लोगो अयम सुखम एते, क्या उस पर आश्रित लोग सुखी है, उनकी कोई समस्या तो नहीं? अच्छा, फिर इसके बाद आज देखिए, बिल्कुल पता नहीं हमारे विचारों में कहा, जहां हम कन्या पूजन की ओर करते थे, स्त्री के प्रति हमारा बड़ा चाहिए कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतस्तु न पूज्यन्ते सर्वा तत्र फलाक्रिया, एक ही बात में सारी बात खत्म हुई कि जहां स्त्री का सम्मान है वहां देवताओं का वास है, सुख शांति, देवताओं का वास का मतलब कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुख शांति है, और यत्रेतस्तु न पूज्यन्ते वहां सर्वास्तत्र फलाक्रिया, वहां सारी की सारी क्रियाएं आपकी निष्पन्न, आप जो मर्जी कर लो अगर आपके समाज में महिला का सम्मान नहीं है। अच्छा, अब महर्षि जी का दृष्टिकोण आप देखिए, वो कहते कचित स्त्रीय संतो से कचित सुरक्षित, कहता आप बताओ कि आपके भरत से पूछने राम के आपके राज्य में स्त्रीय सुरक्षित तो हैं, एक ही शब्द में सारी बात आ गई कि और कचित तो कहता ये इसका आप, और रक्षा ही धर्मेण सर्वे विषय वासिना, कहता आपका जो फर्ज है धर्म पूर्वक आप सारी प्रजा की रक्षा करेंगे और उस प्रजा में स्त्रियों की सुरक्षा का आपने विशेष ध्यान रखना है। तो आज के संदर्भ में तो इसका बहुत महत्व। अच्छा, इसके बाद एक और महर्षि की बात कर, जब हम अपराधी को छोड़ देते हैं, किसी कारण से छोड़ देते हैं, उसके पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, कारण गिनाने की जरूरत नहीं, तो महर्षि का ध्यान इस ओर भी गया है। वो कहते हैं कहते कि भर से पूछते हैं कि आपके राज्य में ऐसा तो नहीं होता गृहतश्च अपराधी पकड़ा गया और उसके बाद पृष्ठश्च उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई, एसआईटी ने पूछ लिया, सीबीआई ने पूछ लिया, गृहतश्च पृष्ठश्च पकड़ा गया और उसको उसकी पूछताछ हो गई, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो गई और काले दृष्टस्य कारण है, और उसके बाद आपने उसका इविडेंस आपको मिल गया है कि इसने अपराध किया है, तो उसमें साक्ष्य आपको पूरा मिल गया है। तो कहता कहीं पैसा नहीं था कि कच्चे मुच्चे चोरों धन लो बाद नाराज हो, पैसे नहीं था कि वो पैसे के लेन देन में किसी चक्कर में उसको कुछ छोड़ रहा हो, कितना बड़ा भरी इस व्यवस्था के लिए महर्षि ने हमें मार्गदर्शन किया है कि जिस अपराधी को आपने पकड़ लिया है, जिसकी छानबीन पूरी हो गई है और जिसके इविडेंसेस आपको मिल गए हैं, साक्ष्य मिल गए हैं, उसको किसी भी परिस्थिति में उसको नहीं छोड़ा जाए। अच्छा, तो इस तरह फिर हमारे कैसी व्यवस्था हो, उस इसी में वो जंगली हाथियों की रक्षा की भी बात करता है और वन्य प्राणियों की भी बात करता है। अच्छा, फिर उसके बाद जो हमारा कृषि क्षेत्र है, कृषि भूमि है, या हमारे जिस तरह फल देने वाले वृक्षों वाली हैं, तो देखिए उसमें सारी बात कहता है कि वो पूछते हैं कि आपकी जो ऐसी भूमि खंड है, आपका जो कृषि क्षेत्र है, आपके जो बागवानी है, उस सारे को करके कहता है कि अदेव मातृको रम्य स्वपदे परिवर्जितः, कहता आपके जो भूखंड हैं वो अदेव मातृक हैं, सीधी सिंचाई की व्यवस्था की ओर महर्षि बात कर रहे हैं, देव मातृका नहीं, जहां के वर्षा से पानी से ही हम कृषि करते हैं, वर्षा के पानी से ही हमारे वृक्ष बढ़ते हैं, अदेव मातृक हैं कि जहां आपने सिंचाई की व्यवस्था हुई है, जो आज जैसे हम महसूस करते हैं, युग युग में महसूस करते हैं, नदियों को मोड़ना है, नहरों को निकालना है और करना है, तो महर्षि का ध्यान उस ओर भी गया है। तो कहते अदेव मातृके रम्य
स्वापद ही परिवर्तित है, परित्यक्तो भई सर्वे खनि भी चुक्षु, और कहता है वो सारा भयमुक्त है, वो आपके क्षेत्र, उसमें कहीं जंगली जानवर तो नहीं फसलों को नष्ट करते हैं या उस क्षेत्र को नष्ट करते हैं, तो इन सारी चीजों की। अच्छा, इसके बाद देखिए महर्षि का बहुत सुंदर प्रश्न उसने पूछा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आयस्ते विपुल है, आमदन राजकोष में ज्यादा हो रही है और क्वचित अल्पतरु व्यय, और आपका व्यय जो है वो कम हो रहा है, बैलेंस बना रहे हैं महर्षि कि जितनी आपकी आय है वो आपकी प्रजा के लिए, वो आपके प्रजा के कल्याण के लिए, मंगल कामना के लिए हम उसका व्यय करें। ये नहीं ना कि आपका राजकोष का जो बढ़ता जाए और उसमें करें। इसके बाद एक और बड़ी बात बोलते हैं, कहता अपात्रेशु नते कचित कोशो गच्छति राघव। डॉक्टर साहब इस पंक्ति ने तो दिल्ली खींच लेती है, ये कहता कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपका जो कोश है वो अपात्रों में चला जाता है, चाहे आपका आर्थिक अनुदान है, चाहे आपका अंशदान है, चाहे आपकी सब्सिडी है, चाहे आपकी आर्थिक सहायता है, कहीं अपात्रों में तो नहीं जा रही है, पात्र तक तो पहुंच रही है ना आपकी। तो कहता कि आया अपात्रेशु नते कचित कोशो गच्छति राघव, के शासक जो है वो ये पूरा ध्यान रखे कि आपका कोष का पैसा जो है वो लाभ पात्री जो है उसको मिले और दूसरों को नहीं मिले। अच्छा, इसके बाद देखिए अब अगर हम वाल्मीकि की ओर जाएं तो उसमें सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, ये उसमें आप जब हम आगे जाते हैं कुंभकर्ण का संवाद है, उसमें संवाद है, तो उसमें सभा को, क्योंकि सभा और समिति ये दो वैदिकाल से हमारे कंसेप्ट चले आए हैं, उसका आज भी हमारा दो ही है, एक हमारा राज्यसभा है एक हमारी लोकसभा है, तो वो सभा को सुप्रीमेसी देते हुए कहते हैं। अच्छा, अब सभा को वो कहते हैं, उसमें बड़ी अच्छी बात कह गए वो कि उसके सभासद कैसे हैं या महर्षि की दृष्टि में वो कैसे होने चाहिए, उसमें उसमें तीन बातें कही हैं, कहता है नाचुकुरशु और नानितमाहू और सभा सदो नापिज जलपुर चाहिए, कि आपकी जो सभा है महर्षि के दृष्टि में, आपकी जो पार्लियामेंट है उसमें ना तो कोई असंबद्ध बात की जाए, ना उसमें जोर से चिल्लाया जाए और ना उसको झूठी सूचना दी जाए। तो महर्षि का दृष्टिकोण आप पार्लियामेंट के लिए देखिए, लोकसभा के लिए देखिए कि वो कैसा होना चाहिए। तो अब इसके बाद एक महर्षि का जो हम और देखते हैं कि आज 21वीं शताब्दी में, वैसे तो 20वीं के अंत में भी ऐसा शुरू हो गया था, लेकिन जो हमारी अंधाधुंध निरीह निर्दोष लोगों को मार देना है, बम विस्फोट करना है, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करनी है, बस को उड़ा देना है, ट्रेन को उड़ा देना है, ये जो बातें सारी चली हैं, इसके विषय में महर्षि का आप दृष्टिकोण देखिए। मैं इसको इस एंगल से लेता हूं, जिस श्लोक से रामायण की शुरुआत, महर्षि का अंतरात्मा जो है वो एक पक्षी के मत से, वो पक्षी के माध्यम से उन्होंने अपने दिल की बात कह गए, तभी तो कहा कि भी योगी होगा पहला, कभी आस उपजा होगा ज्ञान। तो ये उनकी अंतर्वेदना की जब हम बात करते हैं, तो अब वो कर गया, तो वो कहता है देखो किस स्थिति में वो देख रहा है कि तम शोणित प्रीता का खून से लिपटा हुआ है वो पक्षी, और चेष्टमानम महितले, चेष्टमानम और भी करुणा पैदा कर देता है, वो तड़प रहा है, खून से लथपथ है और तड़ रहा है, और ऊपर से उसको ये बाण गड़ा हुआ उसके अंदर, और कहता भार्या तो निहितम दृष्ट्वा रुराव करुणम। तो जब हम ऐसी इंडिस्क्रिमिनेट फायरिंग करते हैं, हम अंदर देख निरीह लोगों को जब हम मारते हैं, तो उसमें किसी का भाई जाता है, किसी का पति जाता है, किसी का बाप जाता है, किसी का बेटा जाता है, जिनमें लेना कुछ नहीं है। अब उस पहले श्लोक की ओर आ जिससे हमारा ये शुरुआत होती है कि, और वो उसकी क्रौंची की बात कर रहा है कि वियुक्ता प्रतिष्ठातेन हितेन सहचारिना, सहचारी शब्द में भी बड़ा मुझे लगा है कि वो उसका पति तो है ही, सहचारी भी है, दोनों साथ साथ चुटते हैं, अपनी जीवन याचिका चला रहे हैं। तो वो कहता है कि मां निषाद प्रतिष्ठान तम अगमा शाश्वती समा, जाओ तुम सदियों सदियों तक जन्म जन्म अंतर तक आपको शांति नहीं मिलेगी, कि यत क्रौंच मिथुनाद नरको है, बाण नरको लगा है, यत क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि, और साथ में काम मोहित विशेषण लगाता है। महर्षि के एक एक शब्द के ऊपर कितना व्याख्या किया जा सकता है, काम मोहित करता है, वो क्रीड़ा रहता है, अपना खा रहे हैं, दाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, उड़ानियां भर रहे हैं, या कर रहे हैं, वो बड़ा भर व्यापक करते हैं,
कहता है ये अपने देखो खेल रहा है, तो अब इसको दूसरी ओर को ले जाइए आप कि एक आदमी अपनी घर गृहस्थी जी रहा है, अपने परिवार के साथ जी रहा है, अपने परिवार के साथ चल रहा है, और तुम उसको किस तरह मारे। तो ये महर्षि ने उसमें सचेत किया हुआ है कि ऐसी जो घटना है वो तो पक्षी को नहीं वो बर्दाश्त कर सके, तो आज कल किस तरह। तो इस दृष्टि से और भी कितने दृष्टि हैं, अब जब कितने युवराज के गुण होने चाहिए, कितने शासन व्यवस्था होनी चाहिए, अयोध्या के उत्तर पृष्ठ की बात करता है, और राजानम प्रथम बिंदेत में महर्षि का एक ही संदेश है कि यू शुड हैव ए स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल गवर्नमेंट। कोई भी देश है चाहे उसकी अगर स्टेबल गवर्नमेंट है और अगर उसकी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है वो देश आगे करते हैं। तो राजानम प्रथम बिंदेत एक ही बात में कह गया। अच्छा, इसके बाद हमारा गोपालन है जिसका जिसका अब ह्रास हो रहा है इस शताब्दी में। जब विश्वामित्र महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं, वो बहुत संदेश है वर्तमान परिस्थितियों में कि जिस तरह हम गोवंश का नाश करते जा रहे हैं, कई चाहे कुछ भी हम किसी भी परिस्थिति में कर रहे हैं, चाहे हम कपाल पोषण कर रहे हैं, तो उसमें देखिए शबला को बुलाते हैं, कामधेनु को बुलाते हैं वशिष्ठ। कहते गऊ ये मेरे अतिथि आए हैं, राजा है तब विश्वामित्र ऋषि, तो बाद में मेरे अतिथि आए हैं, तो इनको ये 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 खाने की चीजें चाहिए। सीधा सा स्पष्ट है कि अगर आपके घर में दुधारू पशु है, आपके घर में गाय है, आपके घर में दूध है, आप खीर बनाओ, आप दही बनाओ, आप पनार बनाओ, जो कुछ आपने अतिथि को देना है वो दो, तो वो गौ से मांगते हैं कि मेरे अतिथि आए हैं। तो इस तरह विभिन्न पक्ष हैं महर्षि जी के सामाजिक व्यवस्था के बारे में, शासन तंत्र के बारे में, कि आपके सचिव कैसे होने चाहिए, उसमें भी सचिवों के जो नाम है दशरथ के सचिवों के, उसमें वो नाम नहीं है, वो उनके विशेष नहीं, उनके गुण है, वो कैसे होने चाहिए, अकोपन होना चाहिए, गुस्सा नहीं करने वाला होना चाहिए, एक सुमंत्र है जो अच्छी राय देता है, एक राष्ट्रपाल है जो राष्ट्र की पालना करता है, तो इस तरह की बातें। तो जो रामायण का ही मैं एक श्लोक बोलता हूँ कि वहां कहा है कि यावत स्थास्यन्ति गिरिः सर्वश्च महीतले ताबत रामायण कथा लोकेषु प्रतिष्ठति, कि जब तक ये सृष्टि है, पहाड़ है, नदी है, क्योंकि पहाड़ नदी जब तक सृष्टि है, प्रलय नहीं तो तब तक गिरण है, तो तब तक रामायण का लोक में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। और जब से रामायण लिखा गया है, हम आधिकारिक समय तो नहीं हम बता सकते हैं, हजारों वर्षों पहले लिखा गया है, तो तब से लेके आज तक निरंतर कितनी भाषाओं में रामायण लिखा जा चुका है, जनमानस में लिखा जा चुका है। अच्छा, हमारा जो मेरा जो व्यक्तिगत परिवेश है उसमें लोग निरक्षर जरूर हैं, लेकिन रामायण की एक एक घटना को जानते हैं, एक एक बात को जानते हैं, तो रामायण का तो हमारे इसमें है। तो मैं यही कह करके वो सामान्य योग्य की तरह अब सक्षम विद्वान से सुनने करूंगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद आगे रसली प्रिंसिपल साहब का कि आपने मुझे इन विद्वानों से मिलने का मौका दिया। नमस्कार। धन्यवाद सर, बहुत ही सारगर्भित और बड़ा सटीक आपने ये एक पक्ष हमारे सामने रखा है कि रामायण में जो गुड गवर्नेंस के मूल्य हैं, जो उसका एक पूरा का पूरा जो प्रारूप है वो आपने हमारे सामने उपस्थित किया है। और मेरे ये मन की बड़ी सघन इच्छा है कि काश हम लोग कभी संस्कृत के लोग इस तरह का एक प्रारूप जो है कभी गवर्नमेंट को एक नीति के रूप में प्रदान कर सकें, या कभी हम इस तरह की बातों को उठा करके एक मॉडल और पॉलिसी की फॉर्म में जो है वो कहीं पे लागू कर सकें, या जो आज एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आते हैं उनको हम इन चीज़ों का प्रशिक्षण दे सकें, मुझे लगता है वो एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन हो सकती है, और आपने उस ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया है, उसके लिए मैं आपके प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। और निश्चित ही इस तरह के जब हम आयामों को ढूंढने लगेंगे तो संस्कृत के आगे की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। मैं व्यक्तिगत डॉक्टर साहब ये मानता हूं कि संस्कृतज्ञों के दो दायित्व हैं, एक तो उनको शास्त्र ज्ञान हो, ये तो प्रथम आवश्यकता है, कहने की बात नहीं है, लेकिन ये तो प्रथम आवश्यकता है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। इसका जो दूसरा पक्ष है वो है कि हम उसकी एप्लीकेशन कहाँ दे रहे हैं। अब जो आज बातें आपने हमारे सामने प्रस्तुत की हैं, अगर हम सभी मिलकर संस्कृतज्ञ जितने भी हैं या संस्कृत से संबंधित लोग हैं, संस्कृत के प्रति सहृदयता का भाव रखते हैं, यदि वो इसके एप्लीकेशन एरिया की ओर अपना काम करना शुरू करें, तो मुझे लगता है कि संस्कृत के लिए आगे संभावनाओं की कोई कमी नहीं रहेगी। तो निश्चित रूप से इस पे हम बाद में विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, और बहुत सुंदर ये एक पक्ष है, और मुझे लगता है कि
पीएम मोदी को इस विषय से, हो सकता है वो अवगत ही हो, उनको कोई ना कोई बताने वाला भी रहा हो, तो इन चीजों का वो ध्यान रख रहे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे विषय बिंदु आपने ऐसे उठाए हैं कि जैसे भ्रष्टाचार और इस तरह की कई सारी बातें हमने रखी हैं, आपने रखी हैं, तो मुझे लगता है कि हम संस्कृतज्ञों को शास्त्र के आधार पर उन बातों का एक दार्शनिक पक्ष या उनका समर्थन हमें प्रस्तुत करना चाहिए, और साथ ही और भी बहुत सारे पक्ष अभी आपकी बात से मुझे ध्यान आ रहा है कि हम जैसे स्वच्छता अभियान है उसका रामायण से समर्थन ले सकते हैं, लेकिन हमने कभी उसको टटोलने की कोशिश नहीं की, या और इस तरह के कई पक्ष मुझे लग रहा है सामने आ सकते हैं। तो प्रेजेंट डे गवर्नमेंट की पॉलिसीज और जो वाल्मीकि रामायण है दोनों का जो तालमेल है वो बड़ा सुंदर बन सकता है, लेकिन परिश्रम हमें करना होगा, हमें अपनी दृष्टि का सुधार करना होगा, अपनी दृष्टि का परिमार्जन करना होगा। तो इससे पूर्व मैं आज के दूसरे मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमाकांत जी को मंच पर आमंत्रित करूं अपनी बात साझा करने के लिए। हमारे बीच में श्री राघव संजीव घारू जी, जो डायरेक्टर हैं महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हुए हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वो नहीं जुड़ पाए, और बीच में मुझे कुछ और भी संदेश आ रहे थे कि वो कई लोग बीच में नहीं जुड़ पाए हैं, दिक्कत आ रही थी, तो मैं इसको कभी भी चेक करूंगा दोबारा इसके बाद कि कहाँ टेक्निकल एस्पेक्ट है, देख लेंगे। तो उनका स्वागत है और धन्यवाद ज्ञापन उनकी ओर से रहेगा, हालांकि स्वागत उन्होंने करना था लेकिन समय पे वो नहीं जुड़ पाए हैं, तो निश्चित रूप से स्वागत धन्यवाद ज्ञापन के समय जो है वो हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी को कि वो इस 21वीं शताब्दी में रामायण के विविध जो आयाम हैं, जहाँ पर हमें इतनी सारी इंफॉर्मेशन की बम्बार्टमेंट हो रही है, इतनी सारी सूचनाओं में हमें चुनने में दिक्कत आ रही है, हमें अपनी मानसिकता को स्थिर रखने की दिक्कत आ रही है, हमारे भाषाई बोध जो गड़बड़ा गए हैं, और जो हमारे भावनात्मक द्वंद पैदा हो रहे हैं उन सब चीजों को देखते हुए, और बल्कि मैं ये भी कहूंगा कि कर्म में भी जो हमारी विसंगतियां आ गई हैं, उन सब बातों को ध्यान में रखते हुए 21वीं शताब्दी में वाल्मीकि रामायण की जो दृष्टि है उससे वो हमें अपनी दृष्टि से परिचित करवाएं। प्रोफेसर रमाकांत आंगिरस जी। समारणीय विद्वान मित्रों, बड़े सौभाग्य का अवसर है कि आज हम लोग महर्षि वाल्मीकि को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक विद्वत समुदाय एकत्रित हुआ है, और इसके प्रारंभ में जो वक्तव्य प्रोफेसर लेखराम शर्मा जी का सुनने को मिला है, तो लगता है कि वो सभी पक्षों को महर्षि वाल्मीकि की जो दृष्टि है, और ये दृष्टि जिसको विश्व दृष्टि कहना चाहिए, सर्वतोमुखी दृष्टि जो है, उस दृष्टि का उन्होंने जिस तरह से उन्मेष किया है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। और ये अच्छा लगा कि बड़ी देर के बाद उनकी वाणी को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। तो अब उसमें वक्तव्य जो है वो थोड़ा प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना दृष्टिकोण रहता है कि मैंने कैसे देखा। एक उसमें रामायण के विषय में हिंदी के कवि थे वाल्मीकि के प्रति उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित करने से पूर्व ये बात कही, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए बहुत संभाव्य है, रामचरित और वाल्मीकि को का एकीकरण ही कर दिया कि तुम्हारा चरित ही ऐसा, राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, चरित ही तुम्हारी कथा जो है, चरित से माने क्या है कि राम का जो आचरण है
आचरित ही चरित है। तुम्हारी जो सारी एक गति है, आचरण क्या है उनका, सर्वतोमुखी जो आचरण है जीवन के अंदर, आचरण का हमारे विशेष संबंध है। आचरण का विशेष रूप से कि जो मैंने समझा, जो मैंने पढ़ा, उसको ईमानदारी से जिया तो इसको आचरण कहते हैं। जो मैंने समझा, जो मैंने शास्त्र को पढ़ा, वैसा ही मैंने आचरण किया तो इसको हम चरित कह देते हैं, आचरण करना कहते हैं। तो आचरण से ही आचार्य शब्द का उन्मेष होता है। आचार्य शब्द का भी वो जो भी है, स्वयमप्याचरेद्यस्तु स आचार्य इतिरिता, जो आचिनोति च शास्त्रार्थान आचार्य स्थापयत्यपि, जो आचार में दूसरों को भी स्थापित करता है और स्वयं प्याचरेद्यस्तु और स्वयं भी आचरण में स्थित होता है, उसको आचार्य कहते हैं। इसलिए श्रुति ने मुख्य रूप से ये कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद, जो आचार्य जिस व्यक्ति का, जिसने आचार्य से कुछ सीखा है वो व्यक्ति जान पाया है, और दूसरे लोगों को थोड़ी दिक्कत होती है उसमें, वो समझने में बहुत ज्यादा श्रम करना पड़ता है और उसमें भी बहकने का बड़ा भ्रम रहता है, तो बहुत सारा जो है वो लोगों की दृष्टि में बहक भी आ जाती है। आचार्य लोगों को समय समय पर ऐसी गोष्ठियों का संयोजन करके उस दृष्टि का एक थोड़ा सा परिष्कार करना अपेक्षित है। तो वो जो बात चल रही थी उसी के संदर्भ में ये कि राम की जो कथा है, राम का जो आचरण है, राम का आचरण स्वयं ही अपने आप में एक सहृदयता का नमूना है। वो आचरण जो है वो हमें ये इस दिशा देता है कि हम भी आचरण कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम आचरण नहीं कर सकते वैसा, लेकिन वो एक बुझ गई है लौ प्रथा की, वो प्रथा बुझ गई है, हम पढ़ते ज्यादा है लेकिन आचरण के बारे में हम उपेक्षा का भाव बरतने लग गए हैं। सारा वाल्मीकि रामायण को अगर आप देखें तो वहां एक ही शब्द, रामो विग्रहवान धर्म, राम क्या है, धर्म, विग्रहवान धर्म, धर्म ने ही शरीर धारण किया है, वो स्वयं धर्म रूप है, रामो विग्रहवान धर्म, ये एक डिक्लेरेशन वाक्य है महर्षि वाल्मीकि का कि विग्रहवान धर्म जो है, धर्म ने ही विग्रह स्वरूप धारण कर लिया है। धर्म जो है वो आचरण की वस्तु है, वो बहुत ज्यादा उपदेश की या चर्चा मात्र की या बहुत ज्यादा व्याख्यान सापेक्ष नहीं है, वो धारण करने की वस्तु है, और राम ने उसको किस प्रकार से धारण किया ये एक बड़ा हमने बहुत अच्छा विचार सुना है। लेकिन इसमें देखिए, आधुनिक जो हमारा 21वीं शताब्दी का जो समय है, 21वीं शताब्दी का ये जो समय है, इसमें अपेक्षाएं क्या हमारी हो सकती हैं, उन अपेक्षाओं का पहले मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि अपेक्षाएं क्या है और उन अपेक्षाओं की पूर्ति कौन कौन सी दृष्टियां इस समय कर रही हैं या नहीं कर रही हैं या करने में असमर्थ हो रही हैं, तो फिर उसमें जो भारतीय दृष्टिकोण है उसको उनके संदर्भ में प्रस्तुत करके कहा जा सकता है कि देखिए इस दृष्टि का भी आप विनियोग करके देख लीजिए। ये आपने पूंजीवादी दृष्टिकोण को भी एक्सेप्ट स्वीकार किया, आपने मार्क्सवादी दृष्टिकोण को भी स्वीकार करके देखा, आपने अन्य दृष्टियों का भी, ज्ञान दृष्टि को भी, ज्ञान दृष्टि को सभी दृष्टियों से, लेकिन उससे मनुष्यता का विक्षेप कम नहीं हुआ है, मनुष्यता का विक्षेप उसे और बढ़ा है। मनुष्य पढ़ता जा रहा है, बहुत सीख रहा है, बहुत उसकी लर्निंग की प्रक्रिया जो है उसके अंदर अभी डिजिटल के माध्यम से और भी हो गया, उसमें तेजी आ गई है, लेकिन इतना सब होते हुए भी जीवन के अंदर मनुष्यता को, मनुष्यता एक संतरस्त जीवन जी रही है। मनुष्यता के अंदर एक वो अभय का भाव नहीं है, अभय का भाव जिसकी बात हम कहते हैं कि श्रुति ने हमें जो एक मैसेज दिया था, वो मैसेज दिया था कि सभी विद्वान लोगों को, गरीब हो अमीर हो, सभी तरह के लोगों को अभय में जीने का उपदेश देना चाहिए,
अभयम पुरस्तात। ये अभय की भावना जो थी, इस अभय की बात को ये आधुनिक काल के जो कुछ दूसरे हमारे अंग्रेजी में भी लिखने वाले जो पोइट्स कवि थे, टैगोर जैसे लोग, उन लोगों ने भी ये उस वैदिक आधार पर इस प्रकार की बात कही थी कि वेयर द हेड इज हेल्ड हाई एंड द माइंड इज विदाउट फियर। ये स्वाभिमान से जहां पर आदमी का स्व जो है वो उसकी अस्मिता स्वयं में बलवती है और उस वो निर्भयता के अंदर जीता है, तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमें बहुत सारा ज्ञान हमारा बढ़ा है, बहुत सारी उपलब्धियां टेक्नोलॉजी के माध्यम से हमारे पास आ रही हैं, लेकिन अभय की स्थिति नहीं आई है। समाज जो है वो भय में ही जी रहा है और कहीं ना कहीं उसमें जो जितने विक्षेप करने वाले तत्व हैं, जिनको योग के अंदर क्लेश कहा था, वो पंच क्लेश जो थे, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेशा, पंच क्लेशा, ये पांचों क्लेश जो हैं वो बढ़ते 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 चले जा रहे हैं। तो इसलिए इनका निराकरण मैं समझता हूँ कि आज की आधुनिक मनुष्यता 21वीं शताब्दी में बहुत आवश्यकता पड़ गई है, क्योंकि आचरण से परे हो जाने के कारण लोग समझते हैं कि ये एक व्यावसायिकता ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि मनुष्य मनुष्य से आतंकित है, भयभीत है। वहां पर रामायण की कथा सुनने वाले लोग आज बड़ी मुश्किल से मिलेंगे। रामायण की कथा की अपेक्षा हिंसा और हत्या, सारा मीडिया जो है उसके माध्यम से जितना जो कुछ भी वहां का जो भी मलिनांश हो सकता था, वो मलिनांश क्या था? हिंसा, हत्या और उसमें उत्तेजना परक साहित्य, उत्तेजना परक सारी चित्र, उत्तेजना परक सारी जो फीडिंग है, सारी यंगर जनरेशन को जो फीडिंग हो रही है वो सारी की सारी वही हो रही है, उसी के माध्यम से कि जहाँ हमें उत्तेजना जीवन में मिलनी चाहिए, वो थोड़ा एक्साइटमेंट एक शब्द हमने जो कॉइन कर लिए हैं, जो बाहर से शब्द आ गए हमारे पास, उन शब्दों के माध्यम से, जैसे वो एक कहा जाता है कि किसी संस्कृति को भ्रष्ट करना हो तो उसमें एक दो शब्द ही ऐसे डाल दो जिन शब्दों के माध्यम से पूरे का पूरा उसमें सारी संस्कृति विषाक्त हो जाती है। तो इस समय जो सबसे बड़ा एक बहुत जिसे कहना चाहिए कि एक बहुत ही विषम स्थिति उत्पन्न हुई है, वो विषम स्थिति उत्पन्न हुई है कि जहाँ पर मैसेज ये था कि अभय में लोग जिए, पुमान पुमान संपरिपात विश्वतः, श्रुति का ये मैसेज था कि मनुष्य ही मनुष्य की रक्षा करेगा, वहां पर मनुष्य ही मनुष्य का वध करने के लिए तैयार हो गया है। तो इस तरह का जो ज्ञान है, जो विज्ञान है, जो जड़ विज्ञान के ऊपर आधारित जो ज्ञान है, जो दृष्टि है, दृष्टि के दो रूप हैं, एक है जड़ विज्ञान के आधार पर बनी हुई दृष्टि और एक है चेतन विज्ञान के आधार पर बनी हुई दृष्टि। महर्षि वाल्मीकि की जो दृष्टि है वो उसमें सच्चिदानंद, उस वेद वेद्ये परे पुंसी जाते दशरथ आत्मदे, वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायण आत्मना, ये कहा जाता है कि वेद वेद्ये परे पुंसी, वो परम पुरुष जो वेदों में ही जाना जाता है, जिसको बड़े बड़े लोग भी, बड़े महर्षि ऋषि लोग जो हैं, जिस उस परमेश्वर को, परमात्मा को, परम तत्व को, जो कोई भी शब्द प्रयोग कर लीजिए, उसमें हमें कोई परहेज नहीं है उसमें किसी शब्द से, उस वेद वेद्य परम पुरुष को जाते दशरथ आत्मजे, जब वो परम पुरुष जो था वो दशरथ के घर में जब वो पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए, तो उसके बाद जो घटना हुई वो क्या है? वेद प्राचेत सादासीत साक्षात रामायण आत्मना, रामायण के रूप में वेद ने ही रामायण का रूप धारण किया। प्राचेतस कौन है? वाल्मीकि ऋषि जो है उनका नाम ही प्राचेतस है। प्राचेतस के माध्यम से, वाल्मीकि के मुख से
रामायण के रूप में वेद ने ही एक तरह से आविर्भाव किया, प्रकट हुआ अपने आप में। अब इससे आप देखिए कि ये वो जो वैदिक परंपरा जो चली आ रही थी, वैदिक परंपरा समय के अनुसार उसने अपना वो नित्य है, निरंतर है, प्रवाहनशील है, उसकी गति कभी गति वो समय के अनुसार वो अपना रूप बदलती है, लेकिन वो नित्य सनातन गति होने के कारण वैदिक मैसेज जो है वो कभी पुराना नहीं पड़ता। ये जो संस्कृति है, इस संस्कृति का नाम हम पुनर्नवा संस्कृति इसीलिए रखते हैं कि हर काल के अंदर इसके पास ये अपने आप को एक नए रूप में प्रस्तुत करती है। वो वेद जो था वो रामायण के रूप में आविर्भूत हुआ, तो आविर्भूत हुआ तो वेद का मूल तत्व क्या था? वेद का मूल तत्व था कि आपकी अगर प्रॉब्लम है, समस्याएं आपकी क्या है उसके अंदर, एडमिनिस्ट्रेशन की आपकी समस्या है, आपकी उसमें ह्यूमन रिलेशनशिप की समस्या, बहुत गहन समस्या है ह्यूमन रिलेशनशिप जो है, मानवीय संबंधों की समस्या, मानवीय संबंध कितने विषाक्त हो गए, आप औपचारिक रूप से चाहे उसमें गृहस्थ की बात कितनी ही करें लेकिन गृहस्थ मूलतः छिन्न प्राय होने को है। गृहस्थ से लोग बाहर के लोगों का जो जितना प्रभाव आता जा रहा है, बाहर के प्रभाव में वहां पर लगता है कि मैरिज कोई इंस्टीट्यूशन है ही नहीं है, कोई इस तरह से अन्य जो संस्थाएं हैं गुरु शिष्य संस्था वाली बात जो है वो भी कुछ महत्व उतना नहीं रखती है उस प्रकार से कि आचार्य के प्रति श्रद्धावान होकर के ऐसे होकर के वैसे होकर के इस ढंग से आप चले, तो वो सारे का सारा जो एक रिस्क इन्वॉल्व हो गया है पूरे का पूरा, उसके अंदर वो कहते हैं कि देखिए ये जो ये सारे का सारा रामायण के अंदर जो तत्वार्थ, निहित तत्वार्थ है वो क्या है? धर्म है। कौशल्या राम को आशीर्वाद देती हैं, यम पाल ऐसी धर्मं त्वम, हे राम यम पाल ऐसी धर्मं त्वम, तुम जिस धर्म का पालन करते हो कैसे करते हो? धृत्या च नियमेन च, तुम धैर्य पूर्वक और नियम पूर्वक जिस धर्म की तुम रक्षा करते हो। बेटा तुम जंगलों में जा रहे हो, सवै राघव शार्दूल धर्मस्त्वाम अभिरक्षतु, वो धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा, राघव शार्दूल वो धर्म तुम्हारी जंगलों में रक्षा करे, मैं तुम्हारे लिए यही ब्लेसिंग देती हूँ। और इसी कारण से आप देखेंगे कि राम के माध्यम से एक पूरा एक कोई एक व्यक्ति नहीं बनता है, व्यक्ति नहीं रहा राम को, हमने वो सर्वत्र उसकी व्याप्ति जो थी, क्योंकि वो एक ऐसा यथार्थ हमने उसे अपना एक यथार्थ मान लिया कि एक समय में इस प्रकार का राम राजेश उसके अंदर सभी प्रकार की हमारी आवश्यकताएं अपेक्षाएं जो थी वो संपन्न होने लगी, संपूर्ण होने लगी। उसमें हमने देखा कि परिवार भी ठीक है, समाज भी ठीक है, लोक भी ठीक है, लोक परिवार, लोक मनुष्य, इंडिविजुअल व्यक्ति। अब ह्यूमन रिलेशनशिप के अंदर जहां पर मानवीय संबंधों का जो खतरा सबसे बड़ा 21वीं शताब्दी में आ रहा है, वो मानवीय संबंधों का बहुत बड़ा खतरा है, एडमिनिस्ट्रेशन का बड़ा खतरा है, मैनेजमेंट के लिए बड़ी प्रॉब्लम है, मैनेज करना बड़ी समस्या हो रही है। लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं है। राम राज्य की बात जब गांधी कर रहे थे या मैत्री शरण गुप्त कर रहे थे या दूसरे लोग कर रहे थे या और राम के रामायणों के प्रत्येक क्षेत्र में से जो व्याख्याता उत्पन्न हुए, जो आगे आते रहे, वो सभी लोगों ने जिस रूप में उसमें उसको खड़ा किया है, राम राज्य की बात को जो खड़ा किया था, मुझे स्मरण है कि गलियों में भी लोग घूमते हुए उस समय पार्टीशन से पहले ये गाते थे कि राम राजा राम प्रजा राम साहूकार है, उसे नगरी दिए दाता धर्म परोपकार है। ये कैप्सूल फॉर्म में एक राम राज्य का मॉडल जो था उसको गांधी ने आगे करके कांग्रेस के आंदोलन को अग्रसर किया और हमारा संघर्ष जो था वो उसी उस स्थापना के लिए ही था। लेकिन वो स्थापना कोई कुछ ऐसे रूढ़ियों के आधार पर वाली वो स्थापना नहीं थी, वो जागृत लोगों का काम था कि उसको वो
राम राज्य को वास्तव में व्यावहारिक बनाते वो लोग, वो व्यावहारिक बनाने की अपेक्षा वहां पर कुछ अजीब किस्म का घालमेल, कुछ इस तरह का मिश्रण हुआ कि जिसके परिणाम स्वरूप आज ये तीनों चीजें हमारे लिए बहुत ही एक मैनेजमेंट की प्रॉब्लम। ज्ञान इतना विस्तृत है, इस विस्तृत ज्ञान को मैनेज कैसे किया जाए? बच्चों को वो सारा जो अवांछित है वो सारा वितरित हो रहा है समाज के अंदर, वहीं से अपराध पैदा हो रहा है। वो जो अवांछित ज्ञान जा रहा है, अवांछित ज्ञान के माध्यम से बच्चों के अंदर अपराध की मनोवृत्ति बन रही है, सभी लोगों के अंदर उस प्रकार की कि तुम केवल मात्र, तुम्हारा कोई अगला जन्म नहीं, ना पुण्य है, ना पाप है, ना धर्म है, ना कुछ भी नहीं है, केवल मात्र तुम्हारा उपभोग तुम्हारे लिए, उस उपभोग की प्राप्ति को बचपन से जो सारी कैरियर ओरिएंटेशन आपकी जा रही है, वो सारी कैरियर ओरिएंटेशन एक ऐसी जनरेशन को पैदा कर रही है जो मानसिक रूप से बहुत ही अपंग होगी, मूल से विच्छिन्न होगी, वो मूलोच्छेद उसका कर रहे हैं हम। इसलिए ऐसी स्थिति में ये अपेक्षित हो जाता है कि हम वाल्मीकि रामायण के उस प्रचेता का जो मैसेज था, वो मैसेज क्या था कि सभी मनुष्य, ये प्रत्येक 21वीं शताब्दी का ये सबसे बड़ी अपेक्षा है कि सभी मनुष्य अभय में जीने का सोचें तो सही। अभय में कैसे जिए? तभी जिएंगे अभय के अंदर कि जब हमें सब नर कर ही परस्पर प्रीति, ये वैषम्य जो है, ये हम ज्यादा धनाढ्य हैं, वो आदमी उसकी आर्थिक स्थिति बहुत उच्च, उसकी बड़ी निकृष्ट है, उसकी बड़ी निकृष्ट, अब ये एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड, और एक्सप्लॉयटेशन को उसमें कैपिटलिज्म ने उसको अपना मंत्र बना लिया, दूसरे लोगों ने अपना मंत्र बना लिया। लेकिन सभी दृष्टियां जो प्रयोग इस वक्त हुई, जो रिलीजन भी प्रयोग हो रहे हैं, वो रिलीजन जो है वो रिलीजन धर्म नहीं है, रिलीजन जो है वो भी एक्सप्लॉइट कर रहा है लोगों के उस लोगों की अबोधता को, लोगों की भोलेपन को, लोगों की सादगी को, वहां पर भी विचार की उपेक्षा हो जाती है। इफ नॉलेज वर द ऑल फैकल्टी गॉड मस्ट बी इग्नोर्ड, अगर ज्ञान को तुम ज्ञान की ओर देखोगे तो वहां ईश्वर की तो उपेक्षा हो जाएगी, तो ईश्वर तो ईश्वर की उपेक्षा हो जाना तो बड़ा भारी अपराध हो जाएगा। ऐसे यहाँ राम की दृष्टि में राम कहीं ऐसा नहीं कहते, राम को ऋषि लोग सभा के अंदर वो कहने लगते हैं कि राम तुम ब्रह्म हो, तुम तो ये हो, तुम वो हो, वो कहते ना ना ना, विद्धिमाम दशरात्मजम, आप लोग क्या कर रहे हो, मत मुझे कहो, मुझे ब्रह्म मत बनाओ, मुझे तुम मैं मुझे दशरथ आत्मजम विद्धिमाम, मैं तो दशरथ का पुत्र हूं, मुझे दशरथ का पुत्र ही आप लोग समझ के आप व्यवहार कीजिए इस ढंग से कीजिए। तो अगर उस परम सत्ता में, परम सत्ता के साथ मैं जी रहा हूं तो परम सत्ता मेरे से पृथक नहीं है। धर्म ये इजाजत देता है कि आप अपने धर्म के अंदर अपने स्व के साथ परम सत्ता को भी जोड़ सकते हैं और आप में वो परम सत्ता अवतरित हो सकती है, ये संभावना है। इस संभावना को वाल्मीकि रामायण जीवित करती है, वो जीवित करती है कि परम सत्ता जो है वो मनुष्य के रूप में उतरती है, और जब वो उतरती है तो एक व्यक्ति के उत्पन्न होने से, एक राजा, जहां प्रश्न किया महाभारत के अंदर की उसने कि कालस्य कर्ता कह, ये काल को बनाने वाला काल का कर्ता कौन है, तो उसमें वो कहते हैं राजा कालस्य कर्ता, राजा जो है वो युग का निर्माण करता है। राजा के माने क्या है कि वो नेतृत्व, वो नेता, एक नेता अगर वो सही पैदा होता है। राम के कई को कहते हैं कि नाहम अर्थ भरो देवी लोकमावस्थ मुझसे, ये कौन नेता आप देखिए, के कई को चिंता हो रही है कि राम के लिए मैंने वनवास 14 वर्ष का मांग लिया है और भरत उधर से आ गया अगर जल्दी में, तो वो चाहती हैं, थोड़ी वो एक्साइटेड हैं कि राम जल्दी से वन को प्रस्थान करे। तो राम उसको समझाते हुए कहते हैं कि माता जी ऐसी चिंता ना कर, ना हम अर्थ भरो देवी लोकमावस्त मुझसे,
मुझे तुम अर्थपरायण से इस तरह से मेरे एवेल्युएट मत, ऐसा मूल्यांकन मत करो। अहम अर्थपरः नाहम अर्थपरः देवी लोकम आवस्तुम। मैं इस दुनिया में जीना ही चाहता हूँ अर्थपरायण होकर के, कि पैसे का पुत्र बन करके मैं नहीं जीना चाहता हूँ। विद्धि माम ऋषिभिस्तुल्यम। तुम मुझे ऋषि के जीवन का एक रूप समझो, मैं ऋषि ही हूँ। विद्धि माम ऋषिभिस्तुल्यम केवलम धर्मम आश्रितम, जो केवल धर्मों के ऊपर आस्थित है। और ये वाल्मीकि का धर्म क्या था, जिसे रामो विग्रहवान धर्म कहा था, इस धर्म के अंदर सबसे बड़ी एक जो बात है, वो कहीं कोई ईश्वर को लेके झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। दशकम धर्म लक्षणम ले लो, या वो चार जो धर्म के लक्षण वो करते हैं, उनके अंदर कहीं पर भी कोई ऐसा झगड़े वाली बात नहीं है। वो सिर्फ आचरण है, वो आचार है। आचार प्रभवो धर्म, धर्मस्य प्रभु अच्युत। आचार प्रभवो धर्म है। धर्म कैसे उत्पन्न होता है, धर्म क्या चीज है? आचार से उत्पन्न होता है। व्यास कहते हैं आचार प्रभवो धर्म, आचार से धर्म उत्पन्न होता है। धर्मस्य प्रभु अच्युत। और जहां धर्म है वहां विष्णु है। विष्णु वेवेष्टि सर्वम विश्वमिति। वो विष्णु जो है वो व्यापक परम सत्ता वहां उतरती है, और मनुष्य के रूप में उस परम सत को उतारने का प्रयास ऋषि लोग करते थे, कि एक ऐसा एक पुत्र, ये भूमि जिसको देख करके कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चितेन। ये उसका आप ये देखिए कि एक आपने लेक के अंदर बैठे बैठे शांत लेक में एक आप जरा कंकर आपने फेंका है, और उसकी जो रिपल्स बन रही है, उसकी जो गोले बन रहे हैं, वर्त आवर्त बन रहे हैं, उन आवर्तों को जरा देखते जाइए। सबसे पहले उस एक ऐसे पुत्र से कुलम पवित्रम जननी कृतार्था, माँ कृतार्थ होगी, वसुंधरा पुण्यवती चेतेन। वसुंधरा पुण्यवती कैसे होगी उससे, मतलब है कि वो पूरे विश्वात्मक दृष्टि वाला ही व्यक्ति होगा। अपार सच्चित सुख सागर इसमिन लीनम परे ब्रह्मणि यस्य चेता। जिसका चित्त पर ब्रह्म में लीन है, उस एक पुत्र के जन्म लेने से सारी पृथ्वी ही पवित्रता की ओर, सारी मनुष्यता का मूड बदल जाता है। ये जो मूड बदलने का काम है, ये एक मनुष्य के माध्यम से एक राम जन्म लेता है, तो शताब्दियों तक लोगों का मूड जो है वो रामायण का मूड बनता है एक। और ये जो रामायण का मूड बना हुआ है, ये मूड तब से अब तक बना ही आ रहा है बस में से। इसलिए ये बराबर वैष्णव चेतना ने, जिसका एक बीज हमें वेद में मिलते हैं, और फिर ये रामायण और महाभारत के माध्यम से हमारे तक पहुंची है वैष्णव दृष्टि, वो दृष्टि उसकी अवतरित होने की बात करती है। बाकी के सारे जो अवतार हैं आप देखें दशावतार के अंदर, वो एक समय का उसमें एक सामयिक जो है सामयिक स्थिति का हल करने के लिए आते हैं। वो मीन है, कच्छप है, वराह है, नरसिंह है, जितने भी अवतार हैं वो आए और क्षण भर के लिए आए, और आकर के अपना काम किया और काम करके चले गए। ये सभी दश अवतारों में से एक ये अवतार दृष्टि ऐसी है। ये अवतार दृष्टि का थोड़ा सा व्याख्यान में आपको बताता हूँ, इसी के आधार पर ही कि अगर तो ये वो अवतारित कि राम जो है वो स्वयं उसको ये दुष्ट निखल निग्रहण करने के साथ, धर्म की संस्थापना करने के साथ, स्वयं लोगों को राज्य करके लोगों के बीच में जीने वाला एकमात्र अवतार ऐसा है, जो इतनी देर तक अपने शासन 10 वर्ष सहस्राणि, वो तो ये कहते हैं कि बहुत देर तक चिरकाल तक राम का जो राज्य, जिसके अंदर मनुष्यता संपूर्ण रूप से सुखी थी, संपूर्ण रूप से अभय के अंदर जीते थे लोग, ऐसा राम का जो राज्य है वो एक ही चेतना का अवतरण है। इसलिए ऋषि लोग जो थे वो तपश्चर्या जो करते थे, वो एक ऐसी चेतना को अवतरित करने का प्रयास करते थे। 21वीं शताब्दी में जो भय और आतंक है,
उस भय और आतंक को ध्यान में रखते हुए हम वाल्मीकि की तरह ध्यानस्थ होकर के जरा ये देखें अगर थोड़ा सा, तो हमें उस चेतना को अवतरित होने के लिए उसके साथ फिर अनुरोध करना पड़ेगा। वो एक चेतना का अंश जहां से भी उतरेगा, क्योंकि हमारी ये आस्था है कि वो अवतरित होता है और मनुष्य में ही अवतरित होता है। उसके अंदर ऋषियों के अंदर वो अवतरित हुआ, राजाओं के अंदर, राजर्षियों के अंदर अवतरित हुआ, वो असाधारण जीवों के अंदर, पशुओं के अंदर अवतरित हुआ, वो अवतरित होता है। वो परम सत जो है, परम सत को कोई ना कोई आकार लेना है और वो आकार लेता है तो उसमें कहता है अवतारस्य सत्यत्वम अजत्वस्वभावता। अवतार का मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ अलग हो गया, अवतार होने से बड़ा अनर्थ हो जाएगा कुछ। अवतारस्य सत्यत्वम अजत्वस्वभावता। और शुद्ध सत्वमय अत्यंत, शुद्ध सत्वमय अत्वं च, शुद्ध सत्व जब होता है तो मनुष्य के अंदर, जिस एक मनुष्य के अंदर भी अगर शुद्ध सत्व उतर आता है तो उसमें वो उस परम सत्व की सृष्टि को 21वीं शताब्दी को सुचारू बनाने में समर्थ हो जाता है। और इसलिए उसको सुचारू बनाने के लिए मैं समझता हूँ कि 21वीं शताब्दी के मनुष्य को ये सोचना होगा। अवतार का मतलब रूढ़िगत अर्थ में मत लीजिए, अवतार का मतलब यह है कि मेरे ही प्राणों में, मेरी ही चेतना में, मैं ही जब राम को कहता हूं तो मुझे कुछ आंदोलन होता है कि नहीं होता है। ये अवतारण है आपकी चेतना में। अगर आपने इधर से सुना उधर से निकल गया, कुछ अर्थ नहीं है उसके अंदर। ये आप अपनी जो आंदोलन है, अपनी चेतना के अंदर होने वाले जो आंदोलन है, उन आंदोलनों को देखिए कि अगर वो आंदोलन है। हम लोग जितना भी ये प्रक्रिया करते हैं कि आज ये देखिए आचमन करिए, आचमन में ऐसे कीजिए, उसके अंदर ओम केशवाय नमः स्वाहा, तो केशवाय नमः स्वाहा करने मात्र से कि आंदोलन भी हुआ, कुछ नहीं हुआ है। जब आंदोलन होने लगते हैं तो आपका जो साइकोलॉजी, आपकी जो साइकी है वो सहृदय बनती है। वो उसको क्या कहते हैं, वो अभ्यास से, इस प्रकार के अभ्यास से जब मैं अपने आंदोलनों को देखता हूँ तो मुझे लगता है कि वो चेतना मेरे भीतर अवतरित होती है। तो ये अवतरित वाल्मीकि के हृदय में जब चेतना हुई तो वाल्मीकि ने कहा करुणे, एक उसमें बड़ा अच्छा एक पद स्मरण आ रहा है मुझे, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई। ये करुणा की विभूति है जो रामायण उत्पन्न हुई है। संपूर्ण मनुष्य जो है, संपूर्ण मानवता के प्रति जो एक करुणा का भाव है, ये मनुष्य से बड़ा कुछ नहीं है। नहीं मानुषात् श्रेष्ठ धर्म ही किंचित, ये हजारों बार हम लोग दोहरा चुके हैं। ये महाभारत भी कहता है, राम भी कहता है, रामायण भी कहती है, नहीं मानुषात् श्रेष्ठ धर्म ही किंचित, मनुष्य से श्रेष्ठ क्या है। मनुष्य को ये अंदर ही, मनुष्य जीवन की ही सार्थकता है कि इसमें परम सत उतर सकते हैं, लेकिन परम सत के उतरने के लिए वो परिस्थिति चाहिए। वो एक ऐसा जो परिस्थिति हमें समाज में, लोक में, वो मैनेजमेंट ठीक होनी चाहिए, व्यवस्था ठीक होनी चाहिए। उस अव्यवस्था के अंदर ऐसा मुश्किल हो जाता है। अव्यवस्था में जो लोग व्यवस्था को ढूंढते हैं वो एक करुणा से, ऋषि ने कोई पुरस्कार नहीं लेना था, कुछ नहीं करना था, इसलिए ऋषि को कोई पुरस्कार नहीं, रामायण लिखने से उसको कोई पुरस्कार नहीं मिला, वेद व्यास को कोई पुरस्कार नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन वो लोक दृष्टि है, लोका समस्ता सुखिनो भवंतु, सभी लोग जो है उस सुखपूर्वक जिए, सभी लोगों को ये क्या है, भूतानुग्रह प्रयोजनम, ये भूतों का अनुग्रह, इस अनुग्रह से ये काव्य, जिसे इसका मूल पक्षीवध भी एक तथ्य हो सकता है पक्षीवध का, लेकिन ये जो कवि लोग हैं, ये सहृदय लोग होते जो हैं, जिनका प्रतिभा का उन्मेष होता है, उनमें करुणा भवभूति, जब ये कहते हैं ना कि ये एक करुणा, एको रसक करुण एवं निमित्त भेदात, करुण ही एकमात्र है और करुणा की बाकी जो शेड्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट है।
तो समाज के अंदर ये एक सहृदयता अवतरित हो, वाल्मीकि रामायण के माध्यम से, वाल्मीकि के काव्य को पढ़ने से, और उसके एक एक शब्दों का, जैसे हम लोग कहते हैं कि एक एक शब्द का प्रयोग कवियों का ध्यान देने योग्य है, इसलिए ध्वनिकार ने कहा कि मैं ये द्वित्रा पंचशाबा कवय है वाल्मीकि व्यास कालिदास प्रभृति करके उसने आगे कवियों का कभी नहीं माना, पता नहीं कुछ औरों की चर्चा ही नहीं की उन्होंने। तो ऐसे लगता है कि जैसे वाल्मीकि ने एक संपूर्ण मानव चेतना को, संपूर्ण मानव चेतना के लिए एक हमें ऐसा मॉडल दिया है, जो मॉडल जो है वो कुलिशमुता कठोर आती, वो ऐसे शूरवीर भी हैं रघुकुल के, वो ऐसे भी हैं लोग जो कुलिश से भी कठोर हैं, मृदुनी कुसुम आदपि, और ऐसे सच्चरित हैं और खल के लिए वो कठोर हैं, लेकिन सद्धर्म की स्थापना के लिए वो बहुत ही कोमल है। इसलिए रामायण के माध्यम से जिस धर्म की स्थापना हुई थी, उस धर्म की स्थापना, धर्म को रिलीजन के साथ हमने रिलेट करके बहुत ही विकृत, बड़ा ही अनर्थ किया है, और अभी भी वही चल रहा है। धर्म के अंदर जो ओपनिंग है, वो ओपनिंग वहाँ नहीं है, इसलिए इस ओपनिंग को, ये जो एक धर्म के अंदर है एक पूर्ण व्यक्ति, आपका ये माइक ऑन हो गया है सर, आपका माइक ऑन ऑफ हो गया, म्यूट कर, अनम्यूट, हाँ जी 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 नहीं फिर दोबारा, बस ठीक है, तो अभी मैं बोलूंगा और चर्चा करूंगा मैं, हाँ बस इसको तो ये उसमें, हाँ, तो इसलिए वो धर्मस्तम अभिरक्षित, ये हम शताब्दी के लिए जो कौशल्या ने राम के लिए कामना की थी, वही कामना हम इस 21वीं शताब्दी के लिए करते हैं कि यम पालयसि धर्मं त्वं, जिस धर्म की तुम पालना करते हो, धृत्या च नियमेन च, लोग धृति से, नियम से, धर्म के माने केवल मात्र कुछ, फिर वही मुश्किल आती है कि शब्दों को हम लोगों को उसी ढांचे में, जिस ढांचे में एक हमने सीखा हुआ है, उसी ढांचे में ही उसको देखना चाहते हैं। शास्त्रकार लोग कहते हैं कि प्रत्येक जो शब्द प्रयुक्त, शास्त्र में जो प्रयुक्त शब्द हैं, उसके उसकी जो आयाम हैं, उसकी जो शेड्स हैं, वो 18-18, 20-20 दिशाओं को खोलने वाले होते हैं। हम पहले ही अर्थ पर, वाच्यार्थ पर ही हमारी समाप्ति हो जाती है, इसलिए धर्म शब्द का वाच्यार्थ नहीं, जो धर्म जिज्ञासा जहाँ पर मीमांसकों ने कही है कि धर्म जिज्ञासा, ये धर्म जिज्ञासा को वो उसके शेड्स खोलने का प्रयास करते हैं, कि वो यज्ञ के रूप में बात चर्चा हुई थी कि यज्ञ से क्या होता है, यज्ञ से धर्म उत्पन्न होता है, तो वेद, यज्ञ और धर्म, ये तीन वाल्मीकि रामायण के केंद्र में स्थित हैं, और केंद्र में स्थित हैं, ये हमारा संपूर्ण जीवन दर्शन बताते हैं। और मैं समझता हूँ कि आधुनिक समय में जब हम धर्म की बात करें, तो हमारे धर्म का संदर्भ जो है वो हमारा मैनेजमेंट ऑफ नॉलेज, एडमिनिस्ट्रेशन और ह्यूमन रिलेशनशिप। ह्यूमन रिलेशनशिप बहुत खतरे में है, आदमी को वो बिल्कुल, उसने विज्ञान ने एलिनेट कर दिया है, खंडित कर दिया है, वो अपने में घुस गया है, और जरा सी बात होने पर वो सुसाइड करने लग गया है। हमें जहां पर शुरू में ये शिक्षा दी जाती थी कि अंधंत में प्रविशंति, वो घोर अंधकार में चले जाते हैं, ये के चात्महन हो जाना, वो जो आत्महंता लोग हैं वो अंधकार में प्रवेश करते हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने ये एक वो उसको स्वीकृति, बड़े आराम से स्वीकृति दे दी कि अगर ये नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, उसके अंदर अंधकार में चले जाओ, कोई बात नहीं उसके अंदर। जीवन को सेलिब्रेट करना, धर्म जो है वो जीवन को सेलिब्रेट करना सिखाता है, वो कहता है नहीं, जीवन बड़ा अमूल्य है, और इसका विकास जो है चरमोत्कर्ष, इसका उस
इसका जो चरम उत्कर्ष है वो इसके अंदर उस परम सत का, जिसके चैतन्य आनंद वो जिस सत्ता ये जिसका रूप है वो इसी शरीर के अंदर, इसी जीवन के अंदर उतरने की संभावना है। मरने के बाद कोई संभावना संभावना कुछ है ही नहीं। इसलिए सारे जो जीवन है उस जीवन को जीने की कला और जीवन को सेलिब्रेट करने की जो बात है आज वो समाप्त होती जा रही है। हर आदमी जो है वो खड़ा है अपने बड़े बड़ी टेक्नोलॉजी लेकर के, उसमें न्यूक्लियर एनर्जी और ये ऐसा पृथ्वी के लिए खतरा हो गया है। ऐसे लगता है कि फिर से पृथ्वी को गऊ बन करके विष्णु के चरणों के पास जाना पड़ेगा कि मुझे बचाओ, ये दैत्यों के पास बड़े बड़े शस्त्रास्त्र आ गए हैं। ये बिल्कुल वैसी ही पौराणिक स्थिति खड़ी हो गई। उस सारी स्थिति के अंदर से हम समझते हैं कि ये एक सुचारुता की जो बुद्धि है जिसमें राम को एक शब्द है कि जीवन में सिर्फ त्याग ही त्याग है, जिसे निष्काम कर्म योग भगवत गीता में आकर के कृष्ण कहते हैं। उसका योग वशिष्ठ के अंदर भी एक भगवत गीता है, उस योग वशिष्ठ के अंदर भी भगवत गीता, राम उस गीता का मूर्त रूप है कि ये 14 वर्ष वनवास छोड़ा, ये पकड़ा ये छोड़ा जिसको तुमने कहा। जीवन के अंदर वो निष्कामता का कर्म, निष्काम कर्म योग की एक जो अनुभूति है वो रामचरित से हमें होती है, और उसी से प्रभावित होकर के आधुनिक युग के अंदर भी गांधी जैसे लोगों ने भी राम को ही अपना राम, रघुपति राघव राधा राम का गाया तो था, लेकिन वो परंपरा गांधी की परंपरा अग्रसर ना होकर के वो दूसरी परंपरा जो थी पश्चिम की परंपरा ही अग्रसर हो गई और हमारे बीच स्मृति आ गई। तो मैं समझता हूँ कि आज फिर से अपेक्षा है कि हम अपनी संस्कृति के मूल उत्स के पास अवश्य जाएं, क्योंकि जब भी संकट आता था तो ऋषियों से लोग पूछते थे तो वो कहते थे बेटा मूल मन्विच, अपने मूल के पास जाके देखो, वहां से तुम्हें उत्तर ठीक मिलेगा। तो आज प्रत्येक व्यक्ति को मैं समझता हूँ कि हमें ये कहना चाहिए कि वाल्मीकि रामायण व्यास ये जो हमारा शब्द शास्त्र है, श्रुति परक जो साहित्य सारा है, मूलम मन्विच, हम अपने इस मूल को फिर से देखें और वहाँ से निश्चित रूप से हमें आने वाली ये जो आगे भविष्य में दिखाई दे रही जो संकटपूर्ण स्थितियाँ हैं उनका समाधान अवश्य प्राप्त होगा। इन शब्दों के साथ आप सब लोगों के प्रति मैं आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद आदरणीय प्रोफेसर रमाकांत जी, आपका वक्तव्य तो ऐसा था कि जिसे संभालना समेटना बड़ा कठिन है हमारे लिए। मुझे लगता था कि भी शायद मैं इस सारे वक्तव्य को कुछ शब्दों में बांध सकता हूँ और इसको मैं प्रस्तुति कर लूंगा, लेकिन इतना व्यापक है और इतने सारगर्भित है और इतनी शब्दावली आपने हमें दे दी है, नई नए पक्ष इसमें दे दिए हैं, मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे विशेष परिश्रम करना होगा इस सारी बात को। और बल्कि ये कहना भी मुझे लगता है ज्यादा संगत होगा कि आज तो दोनों वक्तव्य जो हमने सुने हैं दोनों ही एक दूसरे के पूरक रहे हैं और बहुत अच्छा समन्वय हुआ है कि डॉक्टर लेखराम जी ने जो जिस बात को स्थापित किया, जो आधार प्रदान किए, उसके ऊपर बड़ी खूबसूरत एक भवन जो है उसका निर्माण हो पाया है। और निश्चित रूप से मुझे ये विश्वास मेरा दृढ़ हुआ है कि यही कहीं चाबियां हैं, यही कहीं जो हमें उत्तर हैं वो यही कहीं हैं, लेकिन बस थोड़ी सी दृष्टि और सटीक चाहिए और टिकाव चाहिए दृष्टि में। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम इन उत्तरों को, इन चाबियों को खोज ही लेंगे और मानवीय व्यवहार की ये जो उलझने हैं इनको सुलझाने में हम रामायण के माध्यम से सफल होंगे। इससे पूर्व कि मैं आमंत्रित करूं प्रश्नों को और किसी की कोई भी पक्ष पे बात करना चाहता है संक्षेप में, तो उससे पूर्व हमारे साथ प्रोफेसर वीना अग्रवाल जी जयपुर यूनिवर्सिटी से संस्कृत विभाग की जो अध्यक्षा हैं वो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और भी कई बंधुगण जो हैं जिनका मैं नाम इस वक्त नहीं ले पाऊंगा वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन सभी का स्वागत है।
यदि किसी के कोई टिप्पणी है तो निश्चित रूप से वो स्वागत के योग्य है। कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है? नरेंद्र दत्त जी ने माइक ऑन किया है, तो सर आप अपनी बात रख सकते हैं। बहुत ही उत्तम ज्ञानवर्धक आज की ये जानकारी रही। बीच में वैसे तो संकेत आ गया था उस विषय पे, लेकिन फिर भी क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ और मुझे लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से भगवान श्री राम के जो कालखंड है, हालांकि वो अपने आप में एक पूरा विषय हो सकता है, आज का वो विषय नहीं था, लेकिन फिर भी जो है सरोज बालाजी द्वारा एक पुस्तक के माध्यम से बहुत ही जो है प्रचारित किया गया कि 7,000 वर्ष पूर्व ही ये सारी घटना हुई। मुझे लग रहा है थोड़ा सा हमें इस पर भी प्रकाश हो कि इनका जो काल निर्धारण है वो क्या है। हमें तो जानकारी है, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक पक्ष इस पर बड़ा जो है योजनाबद्ध तरीके से वो प्रचार कर रहा है, तो उस पर भी थोड़ा स्पष्टता होती है, तो मुझे लग रहा है ये हम सबके लिए ध्यान में आ जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल नरेंद्र जी, ये जो इतिहास ने जो हम भारतीयों के साथ एक विश्वासघात किया है, इतिहासकारों ने और उनके लिखे हुए इतिहास ने, हमें उसको उसको हमें एक चुनौती देनी चाहिए। प्रयास हम लोगों ने काफी बार किया है, लेकिन वो ये है कि हम अपने अपने स्थानों पर रह करके बहुत सफल प्रयास नहीं कर पाते। लेकिन निश्चित रूप से ये आपका विषय जो आपने रखा है ये बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब तक हम इतिहासकारों को चुनौती नहीं देते कि जिस तरह से उन्होंने अपने तरीके से अपने अल्प बुद्धि से जिस तरह से इनको परिभाषित करने का प्रयास किया, समयबद्ध 1,000 साल पहले, 2,000 साल पहले, 4,000 साल पहले, इस तरह से बड़ा एक अन्याय किया है। लेकिन फिर भी मैं इस पे प्रोफेसर लेखराम जी की टिप्पणी चाहूंगा कि कालखंड के बारे में उनका क्या विचार है। इसमें विभिन्न पक्ष हैं, ये तो मेरे ख्याल आज के विषय में तो इसमें कोई जगह नहीं है, लेकिन फिर भी है कि अब वो जो उसमें जो हमें कालखंड मिलता है रामायण में, वो तो वाकई 10,000 और उससे पूर्व का ही लगता है। मैं जो उसके पूर्व का चलिए ठीक है, एक बात नहीं उसमें देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा टिप्पणी करूं। जी जी इसमें ये है कि ये कालखंड जो है, काल मेरी कल्पना है, ये 4,000, 3,000, 5,000 साल का जो काल कल्पना है, ये कल्पना ब्रिटिशर्स की कल्पना है। हम ये पढ़ते रहे AD BC और इसी के चक्कर में पड़े रहे, इसने हमारे सारे साहित्य को बंदी बना के रख लिया कि ये फलां कवि उस समय में हुआ और उससे भाषा के आधार पर कुछ आकलन इस प्रकार का था। हमारी जो काल गणना है, हमें अपनी काल गणना के ऊपर विश्वास होना चाहिए। अनादि काल से ये त्रेता युग के अंतिम चरण की ये घटना है, और त्रेता का जो पीरियड है वो हम अब देखो, अगर तो विश्वास है अपने उसमें, शास्त्रों पर श्रद्धा है, तो फिर ये दृष्टि जो है, इस दृष्टि से भिन्न एक दृष्टि बनती है। ये 5,000 साल पहले हुए, कि 3,000 वर्ष पहले हुए, 6,000 वर्ष पहले हुए, ऐसा वाल्मीकि नहीं लिखते हैं, व्यास नहीं लिखते हैं। इसलिए वो जो कालखंड की कल्पना हमारी है, वो चतुर्युगी की, हम रोज उस पाठ करते हैं उसमें, वैवस्वत मन्वंतरे, वैवस्वत मन्वंतर के अंदर वो उसके अंदर अमुक युगे और उस ब्रह्मा का फलाने दिन में हमने काल की जो कल्पना की है, वो ये सारा काल पश्चिम के द्वारा भी कल्पित काल ही काम कर रहा है, और हमने उसकी जो कल्पना हमने की है, हम उसे ब्रह्मा से आरंभ करते हैं, ब्रह्मा के दिवस से, ब्रह्मा के आज हम पहले करते हैं, द्वितीय परार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त एक देशांतर्गत। ये आर्यावर्त जो है उसको आपने स्थान का भी रोज आप स्मरण करते हो, काल का भी स्मरण करते हो, इसलिए इस चक्कर में पढ़ने के बजाय कि ये 700 मेरा काल जो है, मेरा इतिहास काल वही है जो मेरे
उस परंपरा ने, संस्कृत की परंपरा ने मुझे दिया है। और मैं जानता हूं इस बात को भी, वो जानते थे काल का, उन्होंने साक्षात्कार द्रव्य के रूप में भी किया है, लेकिन वहीं पर शास्त्रों ने कहा कि ये काल तो कल्पना है, मनुष्य हुआ, राम हुआ, और कब हुआ, आज से 10,000 साल पहले भी हुआ और आज भी हो सकता है, अभी भी होता है, अभी भी लोग त्यागी ऐसे हैं कि जो लोग छोड़ करके चल देते हैं, संघर्ष करते हुए मर जाते हैं अपने जीवन के अंदर। इसलिए ये जो इतिहास जो है, ये अविद्या है, इनका इतिहास जो है, इस अविद्यक इतिहास का हमें उपेक्षा करनी चाहिए। जी ये बात ठीक है, लेकिन वही है कि सारा जो नैरेटिव सेट कर दिया गया है पिछले सेट किया हुआ नैरेटिव है, क्योंकि उन्होंने देखा कि क्योंकि ग्रीक फिलोसफी, ग्रीक हिस्ट्री जो है वो यहाँ तक जा सकती है, तो बड़ी मुश्किल से 200 साल खींच खींच के ये लड़ाई चलती रही कि ये इंडियन जो स्क्रिप्चर हैं इनको कहाँ पर भाषा के आधार पर इनका आकलन करके इस तरह से 100 साल आगे पीछे, 200 साल, 400 साल, 500 साल, ये एक गेम है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है ही नहीं इसके विषय में, और इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मैं मुझे लगता है डॉक्टर राजेंद्र जी वो कुछ कहना चाहती हैं। मैडम राजेंद्र सर, मैं ये कह रही थी होगा तो मैं सुनी भाई, थोड़ा मैं यात्रा में हूँ आपके प्रदेश में, आ गई आपके देश में, तो सर मैं ये कहना चाह रही थी कि जो आप पॉलिसी की बात कर रहे थे ना सर स्टार्टिंग में। जी मैम। हेलो। हाँ जी, आगे सुन। तो उसमें जो है, जैसे मैंने अभी किया था गुड गवर्नेंस पे काम, तो जो ग्रीन गवर्नेंस मैंने बनाया एनवायरमेंट का, वो वाल्मीकि रामायण के ऊपर काफी आधारित था, हालांकि उसमें और ग्रंथ भी लिए थे क्योंकि वो थोड़ा बड़ा था मेरा, लेकिन उसमें पूरा वाल्मीकि के ऊपर, वाल्मीकि रामायण पर आधारित होकर पूरा का पूरा ये जो है निकल सकता है। आपकी पॉलिसी जितनी भी ये बना रहे हैं सर, इसको हमें चाहिए कि हम इसको एलोबोरेट करें अकॉर्डिंग टू दैट, संस्कृत शास्त्र कह रहे हो या आप वाल्मीकि रामायण कह रहे हो, आज वाल्मीकि जयंती के उपलक्ष्य में कुछ भी, तो ये किया जा सकता है और भी अच्छे से थोड़ा। बिल्कुल इस ठीक है, ये आज का प्रश्न ही नहीं है, ये आज की प्रश्न क्यों डाल रहे हो। डॉक्टर राजेंद्र जी ने अभी एक प्रोजेक्ट किया है और आई के साथ कॉन्सर्ट जो था लगभग 11 लाख का वो प्रोजेक्ट था, और उसमें इन्होंने इस विषय को भी लिया था, और डॉक्टर लेखराम जी ने जिस विषय को स्पर्श किया है गुड गवर्नेंस का, और काफी महत्वपूर्ण काम है, और मुझे लगता है कि मैडम राजेंद्र थोड़ा सा इस विषय पे चर्चा दोबारा रखें और इस विषय में उनसे मार्गदर्शन भी लें तो बहुत अच्छा रहेगा डॉक्टर साहब से। हाँ जी, हाँ जी सर, करेंगे बाद में। हाँ जी, क्योंकि ये रामायण जो है ना, एक तरह से उनका बड़ा इसमें वैशिष्ट है। और किसी की कोई टिप्पणी है, यदि किसी का कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो। हेलो। हाँ जी, हाँ मैं सर जी, जी नमस्ते सर। नमस्कार। मैंने सर 2-4 दिन पहले राजकीय महाविद्यालय कैथल, जो अंबेडकर कॉलेज है जी सर, वहाँ भी महर्षि वाल्मीकि जी पर सेमिनार हुआ था। अच्छा जी। और आज मैंने यहाँ भी सुना, मैं थोड़ा सा बीच बीच में डिस्टर्ब रहा, पूरा व्याख्यान लगभग रमाकांत जी का सुन नहीं पाया, लेकिन बीच बीच में सुनता रहा जी। मैंने ये समझ में आया सर, महापुरुष भी बटे हुए हैं, मैं बड़ी दुखी आत्मा से कहता हूँ सर जी जी, क्योंकि वहां के जो प्रिंसिपल थे डॉक्टर बेदी जी, जी उन्होंने एक वक्ता की टिप्पणी को ये कहा, मैं अपने मुख्य वक्ताओं के चरणों में प्रश्न रखना चाहता हूं, कृपया इस पर सत्यापित करें इस बात को कि ये बात सही थी या उनकी गलती। वो कह रहे थे कि जो हम वाल्मीकि जी को जो प्राचीन काल की जो उनकी घटना थी कि वो डाकू थे, ये बात नहीं थी जी। तो यानी अपने दृष्टिकोण से
प्राचीन काल के इतिहास को भी लपेटने का जो प्रयास किया जा रहा, मुझे लगता है कि सर दरऊ बढ़ चुके हैं आपस में। जैसे फ्रांस में एक तरफ बैठने वाले वामपंथी कहलाए, दूसरी तरफ बैठने वाले दक्षिणपंथी कहलाए। मुझे लगता है समाज का ये चित्रण इस परिप्रेक्ष्य में भी ध्यान रखने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने और मुख्य वक्ताओं ने जो सुझाव बताए और जो मतलब का संदर्भ 21वीं सदी से जोड़ा वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मानसिकता तो आदमी की बटी हुई है। मेरा यही प्रश्न है सर, नमस्ते। चलिए धन्यवाद। मेरी दृष्टि में पक्ष कोई ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी डॉक्टर लेखराम जी अगर सर बटी हम महर्षि जी को अपने प्रेरणा का स्रोत मानते हैं जी, और वो कितना उनका ज्ञान रहा होगा, हम उस ओर जाते हैं। रामायण में क्या है, हमें उस ओर आगे बढ़ना चाहिए। तो ये ऐसे मानसिकता में बढ़ने को हमारी वो तो पूरे भक्त हैं, आराध्य हैं, ऋषि हैं, मार्गदर्शक हैं। और रामायण में तो इतना ज्ञान है डॉक्टर साहब कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते, वहां तक विद्वान भी बहुत भी निभाए होंगे, इतने पक्ष हैं जी। तो बिल्कुल ये अनावश्यक विवाद जो है ये कोई अग्रसर नहीं करते, अर्थहीन है, अर्थहीन है, ये अर्थहीन है, इनका क्या मानते। तो मुझे लगता है कि मैडम वीना अग्रवाल जी अगर आप कुछ कहना चाहें तो फिर हम धन्यवाद ज्ञापन की ओर चलेंगे। सर नमस्कार। सर मेरा एक प्रश्न है। अच्छा, आप अपना परिचय दे देंगे। सर मेरा नाम विजय है और मैं राजकीय वरिष्ठ प्राथमिक विद्यालय दंगल अंबाला में हिंदी प्राध्यापक हूँ। जी जी। सर मेरा प्रश्न ये है कि 21वीं शताब्दी में महर्षि वाल्मीकि की जो प्रासंगिकता है बहुत बहुत ही है प्रासंगिकता, हम इस चीज को मानते हैं एज ए टीचर, लेकिन जब बच्चों को पढ़ाने की बात आती तो हम देखते हैं कि बहुत सारे ऑप्शन हमारे पास आज हैं, जैसे आईटी रिटेल है और दूसरे लैंग्वेजेस हैं, तो संस्कृत लेने की बजाय बच्चा दूसरे माध्यम में जाने की कोशिश करता है, उसकी रुचि जो है वो आईटी के फील्ड में है। तो सर हम कैसे क्या कुछ कर सकते हैं कि वो जो संस्कृत हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, हमारी संस्कृत के साथ हमारी संस्कृति भी है, हमारी कल्चर भी, हमारी धरोहर भी है, और जो साहित्य है जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी है और एक संतुलन स्थापित करता है हमारे जीवन में, तो कैसे सर हम इस समस्या को हल करें आज के समय में, सर इस पे थोड़ा प्रकाश डाल। जी डॉक्टर लेखराम जी सर इसमें प्रैक्टिकल विषय इसमें देखिए, अगर हम विकास इन बिल्डिंग्स को मानते हैं और हम प्रगति अच्छे पहरावे को हैं, हमने समाज को ऐसी दिशा दी है, तो उससे पहले हमें मानव बनना है। तो मानव बनने में संस्कृत जो है वो बहुत ही सहायक है। तो ये शिक्षा नीति के जो निर्धारक हैं उनको सोचने, तो पहले तो हमें ये समाज को बताना चाहिए कि केवल पैसे कमाना ही जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो वो सुतदार और लक्ष्मी पापी के भी होए, तो संस्कृत या वेद का पहला था कि मनुर्भव, तो हमने पहले मानव बनना है। तो मानव है वो संस्कृत पढ़ करके उसमें बहुत ज्यादा संभावना बढ़ जाती है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि संस्कृत पढ़े देखो वो मनुर्भव वाली बात पहला को नहीं होती है, लेकिन संस्कृत में उसके चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। तो ये फिर वो जैसे गुरुवर कह रहे थे, भी ये सब विषय अलग से एक एक तरह का विषय है, तो ये कब से हुआ, कैसे हुआ, बाकी नहीं नहीं वो प्रासंगिक है। हाँ, तो भारतस्य प्रतिष्ठित संस्कृतम संस्कृतसा कि इंडिया इज ग्लोरियस बिकॉज ऑफ इट्स कल्चर एंड संस्कृत लैंग्वेज। तो बड़ी कोशिश की है कि संस्कृत को कर, लेकिन नहीं, संस्कृत वो यावत बड़ी बात रहेगी रहेगी। तो ये डॉक्टर साहब अलग से विषय पे अलग से चर्चा हो सकती है, हम चर्चा रखेंगे डॉक्टर साहब, निश्चित रूप से रखेंगे, क्योंकि एप्लीकेशन जब तक नहीं है, रेलेवेंसी नहीं है, तो लेकिन वो नहीं रेल उसका कारण ये है ना कि सामान्य जो शिक्षा नीति है उसमें मौलिक परिवर्तन को
ध्यान में रख के ही इन बातों पर विचार हो सकता है, क्योंकि बराबर एक पिछले 150-200 वर्ष से एक बराबर हमारी शिक्षा, हमारी एक कंडीशनिंग हो गई है, और उस कंडीशनिंग के अंदर बच्चे जो है वो उस काल उसका प्रॉब्लम है, इसलिए उसको अलग से ही उसके विषय में चर्चा करनी चाहिए। आज के संदर्भ में ये जो श्रद्धांजलि समर्पण था, ये एक प्रकार से वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि को हम लोगों ने एक अपने शब्दों से संस्कृत के लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की है कि कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम। मधुसूदन सरस्वती एक बड़े विद्वान थे बंगाली, उन्होंने उनका श्लोक है संभवतः ये, आरुह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम, मैं उस वाल्मीकि रूपी कोयल को ये प्रणाम करता हूँ कि जो एक कविता की पेड़ की शाखा के ऊपर, कोयल जो होता है पेड़ के ऊपर बैठ करके पंचम स्वर के अंदर अपना स्वर निकालता है, तो आरुह्य कविता शाखाम जिसके प्रत्येक श्लोक के ऊपर राम 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 ही कूजन है उसका, ऐसा कूजन करते हुए मैं उस वाल्मीकि कोकिल को, वाल्मीकि रूपी उस कोयल को प्रणाम करता हूँ, ऐसा मधुसूदन सरस्वती जो अद्वैत वेदांत के परमाचार्य थे, ये उन्होंने उस समय उनको भी और तुलसीदास को भी, क्योंकि तुलसीदास ने भी वाल्मीकि का ही रामायण निगदितं क्वचित अन्यतोपि, तुलसीदास ने भी वाल्मीकि रामायण का ही अनुसरण किया, तुलसीदास के प्रति भी उनका ये था, आनंद कानने कश्चित जंगमस तुलसी तरु, मैंने देखा कि एक चलता फिरता तुलसी का पौधा है, कविता भ्रामरी जस्य राम भ्रम, कविता मंजरी जस्य राम भ्रमर भूषिता, वो कैसी तुलसी है जो चलता फिरता हुआ तुलसी है, तुलसी का पौधा जो चलता फिरता है, उसकी मंजरी के ऊपर राम भ्रमर भूषिता, उसकी हर टहनी के ऊपर हर पत्ते पर उसके राम भ्रमर ही उसके गुंजन कर रहा है, तो ये श्रद्धांजलि मात्र है हमारी, और इस श्रद्धांजलि में उनका जो दर्शन था उसको निरूपण करना तो दृष्टिकोण था, बाकी ये जो ऐतिहासिक दृष्टियां इनका जी समय अलग चर्चा करेंगे, इनका अलग से विवेचन हो सकता है। हाँ जी हाँ, नई एजुकेशन पॉलिसी में बहुत सारी संभावनाएं हैं, निश्चित रूप से उस पर दोबारा फिर हम चर्चा करेंगे। काल के कॉन्सेप्ट पर सेमिनार हो सकता है अलग से, कि हमारा काल का कॉन्सेप्ट जो डॉक्टर साहब जी, हम प्रासंगिकत की बात करते हैं ना, इनके तो एक एक शब्द आज प्रासंगिक है। अब जैसे देखिए ना कि वो विभीषण डर रहा है कि मैं संस्कार में राम क्या बोलेंगे, तो राम का कितना ऊंचा दर्शन दे गया हमें कि भाई क्रियता मत्स्य संस्कार है मम, क्रियता में यथा पेशतः वर्णन्तानि वैराणि निवृतम न प्रयोजनम, कहता क्रियता मत्स्य संस्कार है मम पेश यथा, सब देखिए कि कहता तो हमारा बैर ने, हम तो भाई है, भाई है, तो कितने भ्रातृभाव की परिकल्पना है। ठीक है, चलिए अब हम इस मैडम वीना अग्रवाल जी, अगर आप कुछ कहना चाहें, प्रोफेसर वीना अग्रवाल जी नहीं पहुंच नहीं रही आवाज मेरे ख्याल नहीं, जुड़े तो हुए हैं, चलिए तो हम इस परिचर्चा के समापन की ओर अग्रसर होते हैं, और आप लोगों के साथ हमने लिंक शेयर कर दिया हुआ है, कृपया आप सभी उस लिंक को भर दीजिएगा चैट बॉक्स में, उसको हमने शेयर किया आपके साथ, और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राघव संजीव घारू जी को, जो अध्यक्ष हैं महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद के, और निरंतर ये इस कार्य में लगे रहते हैं, और ये इनकी ही उत्साह, इन्होंने ही ये उत्साह दिया था, इनकी ही ये प्रेरणा थी कि भाई कुछ करना चाहिए। पता तो हम सबको था कि आज वाल्मीकि जयंती है, लेकिन इस बात का आज का जो श्रेय है, आज के इस वेबिनार का श्रेय जो है डॉक्टर साहब को जाता है, और हालांकि उन्होंने स्वागत भी करना था, लेकिन जैसा कि मैंने बताया टेक्निकल कारणों से नहीं जुड़ पाए उस वक्त, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो
हमारे आज के मुख्य वक्ताओं का और हमारे सभी जो प्रतिभागी हैं उनका धन्यवाद करें और अपनी बात भी हमारे साथ साझी करें। धन्यवाद डॉक्टर साहब। सर्वप्रथम मैं राघव संजीव धारू, निदेशक महर्षि वाल्मीकि अनुसंधान परिषद, आप सभी को जो उपस्थित महानुभाव विद्वान यहाँ पर हैं, सर्वप्रथम मैं आप सबको महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव की बहुत सारी हार्दिक मंगल कामनाएं आप सभी को देना चाहूंगा। आभार प्रकट करना चाहूंगा डॉक्टर आशुतोष जी का, जिन्होंने मेरे इस निवेदन को सहर्ष स्वीकार करते हुए बहुत ही कम समय में इस कार्यक्रम के जो रूपरेखा है उसका निर्धारण किया और जो विषय इन्होंने लिया 21वीं शताब्दी में महर्षि वाल्मीकि की दृष्टि में विविध आयाम, निश्चित तौर पर आज वर्तमान समय में इस बहुत आवश्यकता है। और ये कहना चाहूंगा कि ये जो आज का जो कार्यक्रम है विशेष रूप से महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव के विषय पर और उस तिथि पर ध्यान में रखते हुए रखा गया था, लेकिन इस प्रकार के प्रश्न निकल कर आए हैं तो मैं निश्चित तौर पर ये सोचता हूँ या निवेदन करूंगा डॉक्टर आशुतोष जी से कि इस प्रकार के अन्य विभिन्न विषयों पर हम लोग और भी वेबिनार करें। और मैं आभार रखना चाहूंगा जो हमारे सहयोगी आज के इस वेबिनार के आयोजन में एसडी कॉलेज अम्बाला कैंट और रामायण प्रसार परिषद प्रतिष्ठान के महासचिव प्रेम अग्रवाल जी और HDPR एंटी सेंटर के जो डायरेक्टर हैं मेजर जनरल अमिल कुमार शौरी जी, उनका सहयोग रहा, उनकी तरफ से भी मैं हमारे दोनों मुख्य वक्ताओं का धन्यवाद प्रकट करता हूं। और आज के जो हमारे वक्ता रहे प्रोफेसर डॉक्टर लेखराम शर्मा जी और प्रोफेसर डॉक्टर रमाकांत अंगिरस जी, मैं उन दोनों विद्वानों को नमन करते हुए, उनकी चरण वंदना करते हुए मैं उनके उनको नमन करता हूँ, आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद कृतज्ञ करता हूँ कि आप आज जिस प्रकार से कहते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन अगर खीर को बनाकर चंद्रमा की किरणें उसमें आए तो वो अमृत हो जाती हैं, तो ये दोनों विद्वान संस्कृत के ब्रह्मांड में वो नक्षत्र और वो चंद्रमा है, मुझे लगता है कि वो ज्ञान की जो खीर हमें आज इस वेबिनार से प्राप्त हुई है निश्चित तौर पर वो वाल्मीकि तो पुष्पांजलि है ही, लेकिन हम जैसे अल्प ज्ञानियों को जो हमेशा ऐसे विद्वानों को लाइट हाउस मानकर अपने समुद्र में जो रास्ता खोए हुए भटके हुए जो नाम है हमारी उन्हें दिशा मिलती है इस ज्ञान के इस सागर में जो हमने आज गोते लगाए एक डेढ़ घंटा, तो निश्चित तौर पर ये बहुत ही उत्कृष्ट व्याख्यान आज हमें प्राप्त हुआ है। सच में मैं दिल की गहराइयों से डॉक्टर आशुतोष जी का आभार प्रकट करना चाहूंगा कि उन्होंने इस सुंदर आयोजन को किया। और पुनः मैं दोनों वक्ताओं को नमन करता हूँ। अनुसंधान परिषद की ओर से एक निवेदन करना चाहूंगा कि हमारी दूसरा प्रकाशन महर्षि वाल्मीकि जी पर वाल्मीकि प्रशस्ति काव्यम प्रकाशित हो चुका है, अगर मुझे दोनों विद्वान समय देंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप में आकर उन्हें वो पुस्तक भेंट करके उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करना चाहूंगा कि अनुसंधान परिषद इसी प्रकार के कार्य, इसी प्रकार की जो इस दिशा में काम कर रही है उसको बल और हौसला मिलता रहे इनके आशीर्वाद और ऐसी कामनाओं के साथ उन्हें सभी का धन्यवाद करता हूँ जितने उपस्थित यहाँ पर विद्वान जन है, जो उपस्थित हमारे है, सभी का आभार प्रकट करते हुए पुनः एक बार आप सभी को महर्षि वाल्मीकि के प्रकट उत्सव की बहुत बहुत सारी मंगलकामनाएं। धन्यवाद संजीव जी, आपने तो बीच में बड़ी सुंदर उत्प्रेक्षा दे दी। वाकई वो बड़ी प्रशंसा के योग्य है कि आज के विद्वानों ने जो है विचार रूपी खीर जो है शरद पूर्णिमा के दिन पर जो है हमें प्रसाद के रूप में प्रस्तुत की है। भोग तो आपने दिया था, जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि दर्शन शब्द का जो अर्थ है वो दूसरा जो पक्ष है दर्शन शब्द का वो है कि जब आप भगवान वाल्मीकि को इस तरह का भोग प्रदान करते हैं तो प्रसाद रूप में आपको विद्वानों के माध्यम से इस विचार रूपी खीर जो है वो आपको
प्रदान करते हैं, तो मुझे लगता है वो आज हमें वो तथास्तु रूप जो वर है वो प्राप्त हुआ है। तो बड़ा सुंदर आपका ये सहज और सरल जो आपका ये उत्प्रेक्षा है, मुझे बहुत सुंदर लगी है। वाकई इसमें प्रसन्नता दी है, और यही प्रसन्नता की अपेक्षा हम सभी को रहती है कि विचार जो है वो हमें प्रसन्नता दे, आनंद दे, हमारी चेतना का विस्तार करे, और वो आज मुझे लगता है काफी हद तक सफल रहा है। निश्चित रूप से महर्षि वाल्मीकि जो अनुसंधान परिषद है उसके साथ आप जुड़ सकते हैं। डॉक्टर संजीव गारू स्वयं बड़े उत्साही हैं, आप लोग खुद भी कोई आयोजन करना चाहें तो वो उसमें तुरंत सहभागिता करेंगे। जिस तरह की भी आपकी कोई अपेक्षा होगी वो उसको उसमें सहायता करने के लिए उत्सुक रहेंगे। और साथ ही ये भी मैं आप लोगों को सूचना देना चाहूँगा कि निकट भविष्य में हम 2-3 और आयोजन करने जा रहे हैं, और जिनमें से एक आयोजन के बारे में, 2 आयोजनों के बारे में बहुत एक एक पंक्ति में बात करना चाहूंगा। एक तो ये कि ये जो हम ऑनलाइन टीचिंग संस्कृत है, टीचिंग संस्कृत टीचिंग और लर्निंग का है, इसके ऊपर एक FTP लगभग 2-2.5 घंटे की, कि आपने संस्कृत के पेपर अगर चेक करने हैं ऑनलाइन कैसे करने हैं, उसमें मार्किंग कैसे करनी है, आपने अपने टूल्स कैसे यूज करने हैं, उन सारे विषयों के ऊपर एक संक्षिप्त सा जितना हम लोगों को पता है वो आप लोगों के साथ एक दिन साझा करेंगे लगभग अगले हफ्ते में। और एक जो रुचिकर विषय हम निकट भविष्य में लेने जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि वो उसको मैं परिभाषित नहीं कर पा रहा था, वो था कि ये जो असत्य भाषण है, कि हम जो व्यवहार में असत्यता का प्रयोग करते हैं, झूठ जिसे आप सामान्य हिंदी में कहते हैं, मिथ्या भाषण कहते हैं, इसके व्यवहार का स्वरूप क्या बनता है, इसका निर्माण कैसे होता है, और ये कैसे आप इसका प्रयोग करते चले जाते हैं, इस विषय को लेकर के, हालांकि इसको परिभाषित कर लूं मैं एक बार, तो निश्चित रूप से इस पे हम चर्चा करेंगे। हालांकि कोई सिखाता नहीं है, झूठ बोलना कोई नहीं सिखाता, लेकिन बोलते बहुत हैं, चाहे वो कोर्ट्स हैं, चाहे वो सोशल साइंसेज हैं, चाहे वो मीडिया है, और जगह जगह संबंधों है, संबंध है, सब जगह ही उसका हमें प्रयोग देखने को मिलता है। तो उसके स्ट्रक्चर के ऊपर और उससे संबंधित अन्य बातों पे हम लोग निकट भविष्य में चर्चा करेंगे, और बाकी भी अपने जिस तरह के कार्यक्रम होंगे आप लोगों को सूचना देंगे। और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं प्रोफेसर, आदरणीय प्रोफेसर लेखराम शर्मा जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, डॉक्टर रमाकांत जी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी प्रतिभागियों के प्रति जिन्होंने धैर्य पूर्वक इस सारे विषय को सुना और अपनी सम्मति भी दी, अपनी राय भी रखी है, उन सभी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। और इन्हीं सब शब्दों के साथ अब हम जो है विसर्जित हो सकते हैं, आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, और ये देख लीजिए कि आप लोगों ने अपना लिंक जो है वो फिलअप कर दिया हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, ताकि आप लोगों तक सर्टिफिकेट जो है यथा समय जो है वो पहुंच जाए। धन्यवाद है, इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सभी लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।